قيلا. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأنشجة وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. दस्त तो दस्त दरिया भी न छोड़े हमने, अल्लामा इकबाल का शेर है। दस्त तो दस्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुलमात में दौड़ा दिए फोड़े हमने। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो खलम तेरे हैं। जलाले आतिशो बरखो सहाब पैदा कर, जलाले आतिशो बरखो सहाब पैदा कर। जल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर, तो इनकलाब की आमद का इंतजार न कर। जो हो सके अभी इनकलाब पैदा कर। अल्लाह का करम, नबी का सदका, असातजा वालिदैन की दुआएं, रमज़ान का मुतबर्रक महीना, आखिरी अशरा, रातें भी ताक की हैं। ऐसे वक्त अल्लाह ताला ने हम तमाम को जो पसंद फरमाया, इसमें हमारा कोई दखल नहीं, सिर्फ अल्लाह ही का फजल है। दोस्तों, अपनी उन्वान को शुरू करने से पहले कुछ बातें के जो आपके जज्बात के काबिल हैं उसे आपके सामने रख दूं। सबसे पहली बात तो ये है कि मुसलमान आज के ज़माने में एक हल्की सी मुसीबत पर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। मुसीबतों को जो कौम के बर्दाश्त करती थी, और मुसीबतें जिस कौम का मुकद्दर थी, और मुसीबतें आकर जिस कौम के सामने मायूस हो जाती थी, आज एक हल्की सी मुसीबत भी मुसलमान को डराने के लिए काफी होगी। और मुसलमान बड़ी बड़ी मुसीबतों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी मुसीबतों से भी इतना परेशान हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने साल के 12 महीने बनाए और 12 महीने के 365 रातें बनाए हैं, और हम तकरीबन 360 रातें अपने लिए गुजारते हैं। क्या अल्लाह के लिए 5 रातें नहीं गुजारेंगे? और इन जिन रातों को जागने का मौका मिलता है,
जिन रातों को अल्लाह के पास भीख मांगने का मौका मिलता है, जिन रातों में अल्लाह ताला के दरबार में अपने सर को झुकाने का मौका मिलता है, हम तो इस बारिश से कहते हैं कि तू क्या हमारा रास्ता रोकेगी। दुनिया की कोई चीज मुसलमान के उठे हुए कदम को रोकती नहीं थी एक दौर में, और आज भी हम अस्म मुसम्मम कर लेंगे तो आज भी हमारे उठे हुए कदम को कोई चीज रोक नहीं सकती। बारिश आ गई तो सोच रहा था, मैं भी हमारे साथियां भी सोच रहे थे कि बारिश है ना हजरत, क्या रहेगा हाल। मैं बोला हाल तो अच्छा है, लोग आए तब भी बयान करना है, लोग ना आए तब भी बयान करना है, लोग आए तब भी दुआ करना है, लोग ना आए तब भी दुआ करना है। मैं कार में अर्ज कर रहा था, बारिश बोलकर अब तक किसकी तुम्हें शादी रुकी? छोड़ो हजरत, आज शादी नहीं की तो बारिश आगा, रोके बेकार हो जाएंगे, बिरयानी बेकार हो जाएंगी, शादी महल का खर्चा चल जाऊंगा, बोलो वो शादी में ताली चढ़ा दो, कराते नहीं कराते। बारिश आई बोलकर न शादी रुकी, बारिश आई बोलकर न किसी का जनाजा रुका। छोड़ो हजरत, आज उठाएंगे सभा को उठाएंगे, असर को आज बारिश है, कुछ भी रखने को बैठ गया। जब बारिश से हमारी जरूरतें रुकती नहीं है तो फिर मेरे दोस्त तो ताकत भी रुकती नहीं। कोई दोस्त बुलाया है तो बारिश हो, तूफान हो, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, जर्किन पहनकर, रेनकोट पहनकर, फला पहनकर जरूर तो पहुंच जाते हैं। अगर किसी की लड़की बोलू रखो बोला कौन दी फोन पे करी सभा बजरा, हाँ मिलो जी बारिश आगा, क्या तू भी हम तो पहुंचते ही नहीं पहुंचते। जब एक लड़की की मुलाकात के लिए बारिश हमारा रास्ता नहीं रोक सकती है तो खुदा को हासिल करने के लिए क्या हमारा रास्ता बारिश रोकेगी? हो नहीं सकता मेरे दोस्त, आना है आएगी। और आप जैसे जवान मर्दों की तो आज के दौर में जरूर 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 जरूरत है कि ऐसे वक्त में सारी दुनिया बारिश की वजह से भरक कर ओढ़ लेकर सो लेकर है, आप अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं? हमारा कोई जाती काम नहीं है। इस वक्त 1 लाख रुपए हमको मिलने वाले नहीं है, इस वक्त 1 करोड़ रुपए हमको मिलने वाले नहीं है, इस वक्त हमको कोई हसीन लड़की मिलने वाली नहीं है, इस वक्त हुकूमत मिलने वाली नहीं है। देर आयत दुरुस्त आयत का किस्सा, आज इबादत करेंगे कल फल पाएंगे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला जन्नत में जब भेजेगा तो इंशाअल्लाह ताला इन इबादतों का अजर मुझे और आपको जरूर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस रास्ते में अल्लाह को मनाने के लिए, अल्लाह के पास मांगने के लिए मेरे दोस्तों, अगर एक कतरा बारिश का भी हमारे जिस्म पर पड़ गया तो खुदा की जात से उम्मीद रखो कि ये गीला हुआ कपड़ा कल जहन्नम की आग इसे सुखा नहीं सकती। ये गीला हुआ कपड़ा कल जहन्नम की आग इंशाल्लाह सुखा नहीं सकती। लोग बेकरार हो जाते हैं, बारिश 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 बारिश, मैं बेकरार होता हूं, क्या हो रहा बारिश ना हो रहा, बारिश आना है कि बारिश को ताकराता नहीं, हम ना ताकराता। जिससे अल्लाह ताला जो फैसला करते हैं करते हैं, अल्लाह के फैसले को रोकने वाला कौन हो सकता है? वो जो चाहता है वो करता है। अल्लाह तो बारिश कहीं को दिया को बोलकर बोला तो तूफान दे डालेगा उन्हें, उसके पास तो काटा नहीं चलता ना। बहुत ज्यादा परेशान, एक एतबार से बारिश बोलकर परेशान हो जाते हैं। दूसरी परेशानी का हाल ये है कि हजरत 3.5-4 को तुम्हें छोड़ दें, अल्लाह मैं भी सोच रहा हूं मेरे जगह दूसरा कौन सी मिलता था तो उन्हें धस जाता, तकरीर भी करना, दुआ भी करना, क्या की किसकी तुम्हें दुआ से, किसकी तुम्हें आमीन से, किसका तुम्हें भला हो जाएगा ना, वो हमें पिलान करे तो हम ना हमारी दुआ की फिक्र रही तो इनको उनके पेट की फिक्र है। देखे हाँ घोड़ा कुत्ती खाया तो गड्ढे को पेट में दर्द करते, मैं ओपन बोला तू साहब साफ साफ, एक रात अगर सार नहीं करे वक्त होगा ये गुट पानी के लिए, क्या जनाजा उठ जाएगा कि ऐसा आप सार करने के लिए तैयार नहीं? क्या बोलो तैयार ही नहीं? दुआ से बेहतर सार किसका, दरूद से बेहतर सार किसका? 3.5 को छोड़े तो 4.5 तक मेरी माँ बहने, हो सकता है कि मेरी वजह से उनको तकलीफ भी पहुंची हो, मैं माफी चाहता हूँ। एक काम करो 5 रात तक जरा पका कर रख डाल कर आ गए तो बहुत ही अच्छा होगा, कि क्या मालूम कि दुआ में मशगूल होते हुए हमको सिर्फ अल्लाह सामने रहता है, ना सदर रहता है ना सेक्रेटरी रहता हमारे सामने, हमें सामने हमारे पीछे सब, हमें ऐसे नहीं कि सब हमारे पीछे काबे इस इमाम के नमाज पढ़ते ही, हमें काबे सदर सब के ना दुआ करे ना दरूद पढ़े। छोड़े तो छुट्टी नहीं तो स्कूल,
हमारा ये खानून छोड़े तो नहीं तो स्कूल तुम्हें जार नहीं करे, मैं भी नहीं करता, तुम्हें करे इंशाल्लाह मैं करता हूँ। 10-15 मिनट आगे पीछे हो भी गया तो बर्दाश्त कर लो, नबियों की सीरत क्या भी 3-2.5 घंटे का पिक्चर नहीं है। मालूम है अल्लाह ताला ना मालूम कि गिलते ताकरात में नूह की दुआ किसके किसके मुकद्दर को लगी है, और आज इंशाअल्लाह ताला कैसे पैगंबर की सीरत सुनाऊंगा। दुआ करो कि अल्लाह ताला हमको वो सूरत भी अता फरमाए, वो सीरत भी अता फरमाए। बैठो नौजवानों, इन चंद दिनों में अपनी जवान मर्दी और ताकत को अगर अल्लाह के सामने पेश नहीं करेंगे तो बकिया पूरे साल अल्लाह ताला हमारे से कोई काम नहीं लेंगे। समझ में आई बात है? वक्त मिला सार कर लो, वक्त नहीं मिला पानी भी पी लो। ऐसे भी रोजे तो सहाबा थे, खजूर भी खाकर रोजा थे। और ना आपका मेरे ऊपर एहसान है ना मेरा आपके ऊपर एहसान है, बल्कि हम दोनों पर अल्लाह का एहसान है। तुम्हें आकर कभी मेरा धर्मा नहीं बढ़ रहा है, समझ में आई बात है? या मैं कहकर आपकी बिजनेस में और ज्यादा तरक्की नहीं हो रही है? बस हम दोनों पर अल्लाह का फजल है कि पूरी जिंदगी खाने को थे, एक पांच ताक रहा था 3.5 को खाने के, 4.25 को खा लेंगे, नहीं तो 4.5 को खा लेंगे, मौका मिला तो खा लेंगे नहीं तो नहीं खाएंगे। बोलो कौन कौन आज सार कुर्बान करने के लिए तैयार? बाद में तकरीर के बाद क्या भी गरम गरम होना नहीं। समझ में आई बात है? दिखे तो हंसे नहीं तो खिसे का किस्सा मुसलमानों का, दिखे तो हंसे सामने है जी जी, पीछे चूचू का किस्सा सामने, जब सूरत रहती पीछे चेक सीरत रहती उसकी, क्या भी नहीं होता इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला खिलाने चाहे तो जरूर खिला देते हैं, अगर अल्लाह ताला खिलाना नहीं चाहे तो नहीं खिला सकते। इसलिए इत्मीनान के साथ बैठो। मैं भी मजमून को समेटने की कोशिश करता हूँ, आप भी वक्त में बरकत की दुआ करते रहिए। जितना हुआ हुआ, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इत्मीनान से दुआ करेंगे, 5 रात अल्लाह के लिए कुर्बान करेंगे। खाना तो पूरी जिंदगी है इंशाअल्लाह। मेरे हाल मेरे दोस्तों, आप हजरात के आने को देखकर तो मैं बहुत ही खुश हो गया। पड़ती हुई बारिश पर माँ और बहनों का मजमा भी आया हुआ है, आप बुजुर्गों का, नौजवानों का, बच्चों का मजमा भी आया हुआ है। बस अल्लाह ताला चाहते यही है कि मेरा बंदा दुनिया को ना देखे मुझे देख ले, मुसीबतों को पीछे डाल दे, राहतों को मैं उसके सामने डाल दूंगा। मुसीबतों की अगर वो परवाह नहीं करता तो मैं जन्नत की उसके लिए कोई परवाह नहीं करूंगा, उसके लिए जन्नत कुर्बान कर दूंगा। अल्लाह ताला को मनाना कि मौला सब भीग कर घर में बैठे हुए हैं, हम भीग कर तेरे घर में बैठे हुए हैं। ये पड़ती हुई बारिश पर अगर तू नहीं देगा तो फिर कौन देगा? कोई जुमला खुदा को पसंद आ गया तो पूरी मुकद्दर नहीं पूरी नस्लें बन जाएंगी इंशाल्लाह। मुकद्दर नहीं मेरे दोस्तों, पूरी नस्लें बन जाएंगी। अल्लाह ताला हमारे बैठने को, बिठाने को, सुनने को, सुनाने को, सब 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 को कबूल फरमाए। रमजान के आखिरी ताकतों का बहार तो यही है कि हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करें, यही तो खूबसूरती है। अल्लाह ताला इस खूबसूरती को कबूल फरमाए। अर्ज कर रहा था मेरे दोस्तों कि आज हमारी जो बारी है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत। पैगंबरों में से एक ऐसे पैगंबर है जिनके नाम का अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुकम्मल एक सूरा नाज़िल फरमाया, और पूरे कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलीम का 26 मर्तबा नाम लिया। और पैगंबरों में से ये एक ऐसे पैगंबर है कि ये भी पैगंबर, इनके अब्बा भी पैगंबर, उनके अब्बा भी पैगंबर, उनके अब्बा भी पैगंबर। मतलब ये हुई ए बेटा बेटा हुई, 4 नस्लें मुसलसल पैगंबर। हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इसहाक, हजरत इसहाक के बेटे हजरत याकूब, हजरत याकूब के बेटे हजरत यूसुफ। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके नाम नामी इसम गिरामी पर एक शेर भी कहा था, करीम बुनुल करीम इब्निल करीम इब्निल करीम यूसुफ बनो याकूब बनी इसहाक बनी इब्राहिम। ये शेर था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। ये भी करीम, इनके अब्बा भी करीम, उनके अब्बा भी करीम, उनके अब्बा भी करीम, यानी यूसुफ उनके अब्बा, याकूब उनके अब्बा, इसहाक उनके अब्बा, इब्राहिम। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को 2 बेटे अता फरमाए, एक इस्माइल और एक इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत इसहाक से बनी इसराइल की औलाद पैदा होगी,
और बनी इसराइल नाम पड़ा हजरत याकूब से, इसलिए कि याकूब के दो नाम थे, एक याकूब था एक इसराइल था। याकूब की औलाद को बनी इसराइल कहते हैं। हदीस में आता है कि 80,000 से ज्यादा अंबिया अल्लाह ताला ने हजरत याकूब की औलाद से पैदा किए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से कोई पैगंबर पैदा नहीं हुआ, लेकिन जब से आखिर में जो पैगंबर पैदा हुए, पैगंबरों के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सारी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा शरीफ कौन? हुजूर से पहले का जमाना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा बुजुर्ग और शरीफ वो आदमी है जो अल्लाह से डरता है। जरा आप भी अपने दिमाग को तकरीरी मिजाज में लेकर आ जाओ मेरे दोस्तों, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव ही सोचो, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव ही सोचो, नबी है तो इस बात सोचो, इस बात है तो नबी सोचो। हुजूर से जब सवाल किया गया कि या रसूल अल्लाह सारी दुनिया में बुजुर्ग और शरीफ कौन है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा शरीफ वो है जो अल्लाह से डरता है। मेरे दोस्तों, उर्दू के मुहावरे में शरीफ के मुकाबले में कमीना और रजील आता है, और रजील के मुकाबले में शरीफ आता है। इसका मतलब यह है कि जो अल्लाह से डरे वो शरीफ हो गया, अल्लाह से नहीं डरता वो रजील हो गया। अल्लाह का डर पैदा करो। जो आदमी जितना अल्लाह से डरेगा वो उतना ही ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार हो जाएगा। अल्लाह ताला हम तमाम को उससे डरने की तौफीक अता फरमाए। आज शौहर है तो बीवी से डरता है, बीवी है तो शौहर से डरती है, माँ बाप से बच्चे डरते हैं, बच्चे से माँ बाप डरते हैं, छोटे से बड़ा डरता है, बड़े से छोटा डरता है। क्या बिगाड़ सकते हैं ज्यादा ज्यादा प्रॉपर्टी से जुदा करेंगे, या खाना नहीं देंगे, या घर से बाहर करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि अल्लाह का बंदा होकर आज अल्लाह से डरता नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला बिगाड़ने पर आ जाए मेरे दोस्तों, तो फिर उसके तरक्की का कोई सवाल पैदा नहीं होगा, क्योंकि तमाम कुदरत अल्लाह के कब्जे में है। अल्लाह ताला बंदे को बनाना भी चाहते हैं और अल्लाह ताला बंदे को बिगाड़ना भी चाहते हैं। उसके बिगाड़ से डरो, जब वो पकड़ने पर आ गया तो हस्ती से नाबूद करके रख देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सारी दुनिया में बुजुर्ग और शरीफ कौन है? अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लतु तस्लीम ने फरमाया कि जो अल्लाह से डरता है वो बुजुर्ग और शरीफ है। सहाबी ने अर्ज किया, ये तो कामन जवाब है या रसूल अल्लाह, खास आदमी कौन है जो सबसे ज्यादा शरीफ है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे नजदीक तो सारी दुनिया में यूसुफ से पढ़कर कोई शरीफ नहीं है, मेरे नजदीक तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पढ़कर कोई शरीफ नहीं है। अच्छा, जिसको हुजूर भी पसंद फरमाए, हुजूर भी तारीफ करें, आखिर यूसुफ अलैहिस्सलाम कौन और उनकी तारीफ किया? अल्लाह ताला ने इब्राहिम के बाद इस्माइल को, इस्माइल के साथ इसहाक को, इसहाक के साथ याकूब को अल्लाह ताला ने नबूवत दी। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुल दो बीवियां, कितने बीवियां? दो बीवियां भी आपस में सगी बहनें, लेकिन बड़ी बीवी से 10 बच्चे पैदा होने के बाद बड़ी बीवी का इंतकाल हुआ तो दूसरी बहन से दूसरी का निकाह फरमाते हैं, तो दूसरी से जब निकाह करते हैं तो दो बेटे पैदा होते हैं। कुल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को कितने बच्चे? 12 बच्चे। वो जमाने में ऑपरेशन नहीं था, गोलियां नहीं थी, बच्चे ज्यादा पैदा करने वाले अपने आप पर फख्र करते थे। अब कैसा बोले तो जमाना, किसके कितने कम बच्चे रहते कि उसकी है ना वीआईपी फैमिली कहते, मैं बोलता उसे बेवारसी फैमिली। वो वीआईपी फैमिली नहीं है, वो क्या फैमिली? बेवारसी फैमिली नहीं, बच्चे क्या हो फुल रहे। समझ रहे बात है? नए नए नारे तो हिंदुस्तान में शुरू हो गए, हम दो हमारा दो, हम दो हमारा एक। अब क्या रे नारा बोला तो अभी एक नहीं, एक के बाद कभी नहीं कहते, एक कभी नहीं, एक के बाद कभी नहीं। अल्लाह देता नहीं वो बोलो रे बोले तो इसे एक के बाद हम पैदा नहीं करते। अरे तो याकूब अलैहिस्सलाम को कितने बच्चे? 12 बच्चे, पहली बीवी से 10, दूसरी बीवी से 2। दूसरी बीवी के बड़े बेटे हजरत यूसुफ, दूसरी बेटी बीवी के छोटे बेटे हजरत बिन्यामीन। नाम याद रखो, खलर भाई के नहीं, खाला के दूसरे बेटे के तीसरी बेटी का नाम क्या बोले तो फौरन बोला जाता है। समझ रहे? पूरे खानदान के कितने खलेरे, पुपेरे, मौलेरे, चिचेरे, तायरे, क्या क्या रे रहते हैं कि पूरे मालूम। उसके अलावा खाली रिश्तेदारों के नाम नहीं, हमारे नौजवान तो पूरे मोहल्ले के नाम याद रखते हैं।
समझ आया तो नहीं इन्हें रहे उन्हें इन्हें रहे मेम साहब के भी आंटिया के भी खाला सबके नाम याद रहते वैसे मुसलमान के बाद कितने बार पैगम्बर आ वो मुजम्मिल साहब से पूछो अल्लाह तआला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटे अता फरमाए तो छोटी बीवी से 2 बेटे पैदा हुए बड़े बेटे का नाम यूसुफ और छोटे बेटे का नाम बिन्यामीन बेटे ज्यादा थे हजरत याकूब पैगंबर थे सबको मोहब्बत कर रहे थे लेकिन अल्लाह ताला ने बचपन ही से हजरत यूसुफ के चेहरे पर नबुव्वत का नूर अता फरमाया था जिस बच्चे के अंदर जो खूबी होती है उस खूबी से माँ बाप बड़ी मोहब्बत करते हैं एक तो इंसाफ सबके साथ बराबर करना चाहिए और पैगंबर होकर बेटों में बेइंसाफी नहीं करेंगे सबके साथ इंसाफ कर रहे हैं लेकिन फितरी तौर पर हजरत याकूब को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जरा ज्यादा मोहब्बत थी क्योंकि दो चीजें थी हजरत यूसुफ के पास एक नूर नबुव्वत भी था यानी नूर नबुव्वत का नूर भी था चेहरे के अंदर दूसरा जिस्मानी जाहिरी एतबार से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तस्लीम बहुत ज्यादा खूबसूरत भी थे कितने खूबसूरत थे इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर के बाद आपके पास बात आ जाएगी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र जब 5 साल की हुई तो हजरत यूसुफ की अम्मा का इंतकाल हो गया हजरत याकूब अब बच्चों को साथ रखकर पूरी परवरिश करते थे लेकिन मां ना होने की वजह से परवरिश की जिम्मेदारी हजरत याकूब ने हजरत यूसुफ की छोटी काला लयान के पास दिया था खाला मां के बराबर यकीनन खाला अपने भांजे से बड़ी मोहब्बत करती है हुजूर ने फरमाया खाला मां है चाचा बाप है अल अम्मु सुन्नु अबी अल खालतु उम्मुन चाचा बाप के बराबर खाला मां के बराबर चाचा की मोहब्बत बाप की तरह खाला की मोहब्बत मां की तरह इसलिए जरा खासा ताल्लुक रहता है खाला और भांजे और भांजियों के दरमियान हजरत यूसुफ वहां भी रहते थे बाप से भी मुलाकात करते थे जब हजरत यूसुफ की मोहब्बत खाला के दिल में ज्यादा हो गई तो हजरत याकूब ने सोचा कि मेरा बच्चा अगर उधर का हो गया तो मुझे नहीं देखेगा इसलिए हजरत याकूब क्या कर लिए यूसुफ को बुलाकर अपने पास आती बिन्यामीन को वहां छोड़ दी छोटे बेटे लेकिन खाला भी हजरत यूसुफ को बड़ी मोहब्बत कर रही थी इसलिए खाला कहने लगी अपने बहन भाई से क्या बोलकर भैया पुकारी की जीजा जी पुकारी क्या पुकारे की मालूम नहीं ना वो एक नहीं है किताब में हमें क्या पुकारते भोले को भाई जान नफीस अजीत अजीत क्या हो अनीस नहीं तो जीजा जी क्या पुकारते थे भोले को जीजा जी नहीं जरा मॉडर्न टाइप का जीजा जी क्या बोले तो अजीत जाओ जी वो जीजा जी क्या वो उन्हें कुछ को अंदर आ जाता समझ में आई बात तो मेरे हाल क्या पुकारे की हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के आकर कहने लगती है कि याकूब जिस बेटे से तुम मोहब्बत करते हो उस भांजे से मुझे भी मोहब्बत है एक काम करो एक हफ्ता तुम्हारे पास रहेगा यूसुफ एक हफ्ता मेरे पास रहेगा एक हफ्ता तुम्हारे पास रहेगा एक हफ्ता मेरे पास रहेगा अब काला की मोहब्बत का भी लिहाज किया हजरत याकूब ने फैसला कर दिया एक हफ्ता तुम्हारे पास एक हफ्ता मेरे पास अब काला एक हफ्ता देखती और एक हफ्ता छोड़ती खाला के पास से जब एक हफ्ता हजरत यूसुफ अलैहि सलाम हजरत याकूब के पास आते एक हफ्ता याकूब यूसुफ अलैहि सलाम न रहने की वजह से काला को और ज्यादा तकलीफ हो गई इसलिए काला ने सोचा कि किसी तरीके से यूसुफ को हमेशा मेरे पास ही रख लेना है क्या करना एक दिमाग में एक आइडिया आया वो आइडिया को इस्तेमाल कैसे करती है हजरत याकूब और हजरत यूसुफ अलैहि सलाम की शरीयत में क्या कानून था कि अगर कोई चोर चुराते हुए अटक जाता है तो हजरत याकूब और हजरत यूसुफ की शरीयत में चोर के हाथ काटते नहीं थे बल्कि चोर को जिसका माल चुराया उसके हवाले कर देते थे हजरत यूसुफ की खाला ने क्या किया एक दिन याकूब जब 8 दिन गुजारने के बाद घर को ब्याज लेकर जा रहे थे उस ब्याज में बेहतरीन जेवर रखकर हजरत यूसुफ को भेज दी यूसुफ आकर याकूब के घर पहुंचे थोड़ी देर के बाद लयान खाला भी आ गई आकर कहती है कि याकूब तुम्हारा बेटा शायद मेरा जेवर चुरा लिया है पूरा घर तलाश करती हूँ तो जेवर नहीं मिल रहा है जब हजरत यूसुफ की ब्याज को खोल कर देखा गया तो यूसुफ की ब्याज में वो जेवर था तो हजरत यूसुफ की चोरी पकड़ी गई लयान ने कहा तुम्हारी शरीयत में यह कानून है कि चोर चुराते हुए अटक गया तो जिसका माल है उसका वो चोर हो जाएगा इसलिए आज के बाद यूसुफ मेरे पास रहेंगे तुम्हारे पास नहीं रहेंगे हालांकि यूसुफ ने चुराया नहीं चुपके से डाल दिया
अब हजरत याकूब पैगंबर होकर कैसे शरीयत के खिलाफ वर्जी कर सकते हैं? अब बेटा चुरा लिया है, दिल नहीं मान रहा है कि मेरा बेटा चुराया है। हो नहीं सकता यूसुफ 6-7 साल की उम्र में ऐसा काम कर सकता है, हो नहीं सकता। लेकिन कपड़ा तो गया ना, बस्ते में दाग में तो जेवर आ गया ना, इसलिए यूसुफ ने याकूब ने यूसुफ को खाला के हवाले कर दिया। रोते हुए अल्लाह से दुआ करने लगे कि मौला मेरे बच्चे को मेरे हवाले कर दे। 2 साल मुसलसल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खाला के पास रहे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि 2 साल में खाला का इंतकाल हुआ, फिर यूसुफ हजरत याकूब के पास आ गए। अब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ को जरा ज्यादा चाहत कर रहे हैं। कुल 12 बच्चों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जरा चाहत ज्यादा थी, इंसाफ तो सबके साथ बराबर था। लेकिन बड़ी बीवी के बच्चे देख रहे हैं कि मेरे अब्बा छोटी बीवी के बच्चों को बहुत ज्यादा चाह रहे हैं, हसद पैदा हो गया। ये हसद की आग ऐसी है, खुद भी जलती है दूसरों को भी जलाती है। इसीलिए शैतान ने हजरत नूह से क्या कहा कि नूह जिंदगी में कभी हसद ना करो, मेरा हाल यहां तक इसलिए पहुंचा कि मैंने हजरत आदम से हसद किया, इस हैसियत से कि वो मिट्टी से बनकर अल्लाह के करीब हो गए, मैं आग से बनकर अल्लाह से दूर हो गया, हसद किया तो अल्लाह ने मुझे यहां तक कर दिया। हसद कभी कहो ना, हसद का आदमी क्या करता है, खुद भी जलता है दूसरों को भी। इसीलिए दो दुकान वाले थे कहते मुसलमान, एक का दुकान इधर एक का दुकान उधर, दोनों के दुकान कभी मटेरियल एक ही था, क्या मटेरियल बोलता नहीं। अब मैं बोले अगर बेरिंग का तो बेरिंग वाले को गुस्सा, कपड़े बोला तो कपड़े वाले को गुस्सा, आयल का तो आयल वाले को गुस्सा, कई को क्या एक मटेरियल का दुकान, इधर भी मुसलमान का उधर भी मुसलमान, एक बाजार में जितना दो मुसलमान आपस में कुत्ता लड़े सका लड़ते लड़ता हिंदुआ नहीं लड़ते। अब देख रहे ये दुकान वाला देख रहा है कि वो दुकान में बहुत बिजनेस हो रहा है, क्या करना क्या अभी करना, आमिर को पकड़ रहा हूँ सकारत कर डालना, क्या कर रहा हूँ आमिर को पकड़ रहा, आमिर साहब के पास गए जाकर बोले देखो साहब मेरा दुकान इधर उसका दुकान उधर, लेकिन बात क्या है बोले तो मेरे दुकान में बिजनेस नहीं होता उसके दुकान में होता है, क्या भी करके उसे फ्लैट कर दो, क्या भी करके फ्लैट कर दो। वो आमिर साहब कैसे निकले देख बा, उसे फ्लैट तो नहीं करता, अलबत्ता तुझे बड़ा था, लेकिन तुझे जितना भी बड़ा होगा उसका डबल उसे होगा, नफा हो या नुकसान जितना तुझे होता उसका डबल उसे होता। मसलन तुझे 100 रुपए का फायदा हुआ तो उसे, तुझे 100 रुपए का नुकसान हो सकता 200 रुपए का नुकसान, नफा और नुकसान में उन्हें तेरे से बड़ा चाहिए। अच्छा इन्हें सोचा एक काम करो मेरी ये खंकी फोड़ डालो, क्या तो उसके दो अंक फूटेंगे ना। ये हसद की आग ऐसी है कि खुद भी जलता है दूसरों को भी जलाता है। अब ये भाई देखने लगे हमारे अब्बा यूसुफ को बिन्यामीन को ज्यादा मोहब्बत करे, हालांकि मोहब्बत फितरी तौर पर छोटे बच्चे बोले तो मोहब्बत होती इतना, बिन्यामीन और यूसुफ छोटे बच्चे थे, बाप जरा ज्यादा मोहब्बत कर रहे हैं, ये बड़ी बीवी के बच्चों को हसद आ गया। इसी दौरान 7 साल की उम्र में, एक रिवायत में आता है कि 9 साल की उम्र में, एक रिवायत में आता है कि 11 साल की उम्र में हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ख्वाब देखते हैं। वही ख्वाब की इब्तिदा कुरान पाक के अंदर आ गया। इذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين। हजरत यूसुफ के ख्वाब देखते हैं क्या कि आसमान के 11 तारे चांद सूरज ये सब मिलकर हजरत यूसुफ को सजदा कर रहे हैं। छोटे बच्चे थे हजरत यूसुफ, लेकिन इतना बेहतरीन ख्वाब देखा कि आसमान के तारे चांद और सूरज हजरत यूसुफ के सामने सजदे में गिरे हुए हैं। सुबह को उठे और सीधे हजरत याकूब अलैहि सलाम के पास आए, आकर अर्ज करने लगे कि अब्बा आज रात ने ख्वाब देखा। क्या देखे बेटा? अब्बा मैं देखा कि 11 तारे, एक चांद, एक सूरज, कुल 13 चीजें मेरे सामने सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब ने हजरत यूसुफ के मुंह में हाथ रख दिया कि बेटे मुझे बोलिया सो बोलिया, इसके बाद ये ख्वाब तो किसी को मत बोल। अच्छा अब्बा क्यों? नको बेटे बोलने को। قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا। बेटे पहले से तेरे से और तेरे भाई से तेरे बड़े भाई जल रहे हैं, ये तो इतना अच्छा काम है बेटे, आज समझ में नहीं आएगा, तेरे ऊपर जब 40 साल गुजर जाएंगे तो तब समझ में आएगा।
और खा भी एक चीज ऐसी है मेरे दोस्तों, आज देखेंगे तो सबाब को ताबीर निकलना जरूरी नहीं है। कभी कभार खाब की ताबीर अभी हो जाती है, कभी कभार खाब की ताबीर 40 साल के बाद भी होती है, और वो भी अच्छे ख्वाबों की ताबीर। इसीलिए हजरत फुकहा ने फरमाया कि बुरे ख्वाब को कभी किसी के सामने नहीं बताना, क्योंकि ख्वाब 3 तरीके के होते हैं। एक अल्लाह की तरफ से होता है, एक ख्यालात की तरफ से होता है, और तीसरा जो ख्वाब होता है वो शैतान की तरफ से होता है। हम ना शैतान तो हमें अल्लाह वाले नहीं ना, शैतान का ख्वाब उन्हें उन्हें रात में ख्वाब में शैतान पकड़ सका देख लेता, नहीं तो ख्वाब में क्या कहती उनसे हो जाता। तो हजरत अल्लामा मोहम्मद बिन सीरीन ने फरमाया शैतानी ख्वाब तो इंसान पर हमला, ख्यालात का जो ख्वाब होता है वो दिन के आमाल का नतीजा होता है, अल्लाह का ख्वाब जो होता है वो अल्लाह की तरफ से फजल होता है। शैतान का ख्वाब तो हमला हुआ, चलो ईमान लिया। ख्यालात का ख्वाब दिन भर क्या काम करते रहते कि ख्वाब में भी बोझ काम, समझ नहीं बात। हमारा एक भांजा था, रात को सोते सोते 100 रुपए का था बोला, अचानक 100 रुपए नहीं होता नहीं, 80 रुपए नहीं होता नहीं, 75 रुपए क्या रे मुसीबत। उसको पूछा तो नहीं भैया खाद में है ना, चप्पल बेचे सो गया। दिन का जो असर होता है, दिन में जो काम करते हैं, रात को क्या होता है ख्वाब करता है, ये ख्यालात का ख्वाब होता है। इसीलिए हजरत अल्लामा मोहम्मद बिन सीरीन ने फरमाया जो आदमी अपने आंखों की हिफाजत करता है कभी जिंदगी में उसे इहतलाम नहीं होता। ये है राज, आंखों की हिफाजत करो, रास्ते में जाते हुए निगाहें नीची रहे, अल्लाह का खौफ रहे, आंख उठा के ना देखो साइड से कौन जा रहा है, राइट से कौन जा रही है, गाड़ी में कौन है, ऑटो में कौन है, कार में कौन है, पोस्टर में कौन है, कटआउट में कौन है, बस निगाहें नीची रहे। एक शरीफ इंसान की अलामत क्या है कि निगाहें नीची रहेंगी, इसलिए कि जो आदमी दिन में निगाहों की हिफाजत करता है उसे रात में इहतलाम कभी नहीं होता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ में से एक वस्फ ये है कि हुजूर को कभी जिंदगी में इहतलाम नहीं हुआ। बाज रिवायत में आता है कि किसी पैगंबर को इहतलाम नहीं हुआ। मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं दिन में औरत को देख रहा था, दूर की बात, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि ख्वाब में भी मैंने किसी गैर औरत को नहीं देखा। मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दिन में देख रहा था, दूर की बात, मैंने ख्वाब में भी किसी औरत को नहीं देखा। हमें ख्वाब में भी देख रही, रिकाबी में भी देख रही, डिश में भी देख रही, सब में, टीवी में देख, सब में देख रहे हैं, यहां तक के घर में साबुन आया तो उसमें भी ही मेन साबुन, शेविंग का ब्लेड आया तो उसमें भी ही मेन साबुन, कहां आ गए मेन साबुन। ये अमेरिका कमीना कहता है औरत को हम तरक्की दिए, क्या तरक्की दिए, इसकी तरक्की तो औरतों को बेचकर खाने में आई है, इसे नहीं मालूम कि इसकी मां का मकाम क्या है, इस मगरबी तहजीब को नहीं मालूम कि इसकी बहन का मकाम क्या है, इस मगरबी तहजीब को नहीं मालूम कि इसकी बेटी का मकाम क्या है, इस मगरबी तहजीब को नहीं मालूम कि इसकी बीवी का मकाम क्या है। अगर मकाम जानना चाहता है, हम अमेरिका और फ्रांस को, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन को, चाइना और जापान को कहते हैं कि तुम्हारे माओ का मकाम अगर तुमको मालूम जानना चाहते हो तो आ जाओ इस्लाम के दायरे में, और तुम्हारी माएं तरस रही है अपने मकाम को हासिल करने के लिए, तुम्हारी माए तरस रही है, शौहर तो फुल प्याक है अपनी बीवी को, फुल नंगा करके बाहर फिर रहा है लेकिन शौहर को गैरत नहीं आ रही है। इससे इन्हें पहलता सकारा बोला तो गले की टई भी यहां तक घाटी निकलना नहीं, रत्ती भी ऐसा, उसकी बीवी को कितना खुला रखा, हालांकि इन्हें खुला रखा था कभी नहीं फर्क पड़ता, इसकी बीवी को तो खूब पिलाना है, लेकिन अफसोस इसीलिए एक जमात गई, शायद अमरीका या फ्रांस को, मुस्कुराती भी जमात गई। अल्लाह ताला इस जमात से जितना फायदा दुनिया के अंदर करा रहा है, दुनिया की किसी जमात से फायदा होता ही नहीं है और हुआ तो भी इतना नहीं हो रहा है। अल्लाह ताला हजरत इलियास रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। बुझी हुई एक चराग को उन्होंने ऐसा सिलगाया कि सारी दुनिया में आज वो चराग से सारी दुनिया रोशन होती जा रही है। औरतों की जमात भी गई, अब बस स्टैंड पे वहां के खड़े थे, अब औरतों की जमात में एक साहब के जो बीवी थे वो फुल प्याक, सर से लेकर पैर तक बुरखा, हाथ में गुलोजा, पांव में गुलोजा, कोई चीज नजर नहीं आ रही। वहां बाजू एक अंग्रेजी औरत भी खड़ी थी, वो फुल प्याक नहीं थी बल्कि आधा जिस्म भी कपड़ा नहीं था। उसने जाकर उस मुसलमान औरत से अंग्रेजी में पूछा कि तुम कौन हो, हम मुसलमान हैं, ये तुम्हारा इस्लाम तो तुमको बहुत टाइट कर दिया, देखो तुमने कितना प्याक कर दिया।
हम देखो कितने आजाद हैं, हवा ही हवा खा रहे, खाओ हवा, खाओ हवा। तुम्हारे मुकद्दर में अल्लाह ताला हवा रखा है, हमारे मुकद्दर में हया रखा है। तुम्हारी मुकद्दर में हवा है, हमारी मुकद्दर में हया है। तुम्हारी मुकद्दर में बेहयाई, हमारी मुकद्दर में शर्मी। तुम्हारे मुकद्दर में औरतों का कोई मुकाम नहीं, हमारी मुकद्दर में मां के कदमों तले जन्नत है। अब अल्लाह ताला जिसे इस्लाम की तौफीक देते हैं उसे अक्ल कामिल भी अता फरमाते हैं। सामने एक मौज की गाड़ी खड़ी थी, उसमें मौज वाला कुछ मौजा को डिस्प्ले करने का छिलको भी रखा था कि देखो बाहर जैसा है अंदर भी वैसा है। करते नहीं, मौज को आधा छिल कर रखा था, बाहर कैसा अंदर वैसा। अब वो मुसलमान औरत उस ईसाई औरत से कहने लगी कि देख रही हो गाड़ी को? हाँ देख रही हूँ। क्या है उसमें? केला है। केला नहीं बनाना, क्या बनाना, क्या अभी नहीं बनाना, बनाना है बनाना। अच्छा आप कौन सा लेगी? जो छुला हुआ है वो लेगी? नहीं वो फुल पैक है वो लेंगी। अब वो ईसाई औरत कहे छिला हुआ नहीं, फुल पैक वाला डजन लूंगी मैं, इसलिए कि छिला हुआ खुला है, उसके अंदर टिटान आके पड़ गए, जरासीम आकर पड़ गए, अगर वो मैं खाऊंगी तो मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा। वो औरत ने कहा कि तुम्हारी हमारी मिसाल यही है कि छुली हुई मौज तू है, बंद मौज मैं हूं। छुला हुआ केला तू है, बंद केला मैं हूं। अब मेरी बहन जरा सोच ले कि छुले हुए केले को तू नहीं लेती इसलिए कि तेरे जिस्म पे इन्फेक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से छुले हुए बंद केले को हमको लेंगे, क्यों? इसलिए कि छुला हुआ केला खाने वाला बीमारी में मुबतला हो जाता है, बेहया औरत को यूज करने वाला उन्हें भी इन्फेक्शन में मुबतला हो जाता है। हम तो बंद केले हैं, हम बंद केले, हमको हमारा शौहर ही खोलेगा, इसके अलावा और नहीं कोई खेलेगा। तरो ताजा अच्छी चीज। बात कहीं से कहीं चली गई कि दिन के अमाल को सुधारो, निगाहें नीचे रखो, इंशाल्लाह ताला ख्वाब भी तुम्हारे क्या हो जाएंगे, बहुत बेहतर हो जाएंगे। और ख्वाबों को किसी के सामने पेश नहीं करना। हजरत याकूब ने कहा कि बेटे या बुनैया ला तक्सुस रुयाका अला इख्वतिका फयकीदू लका कैदा, के बेटे अपना ख्वाब किसी के सामने बयान न कर, बिलखुसूस तेरे भाइयों के सामने बयान न कर, फयकीदू लका कैदा, इसलिए कि वो तेरे से दुश्मनी करने लगेंगे। क्यों दुश्मनी करेंगे? इन शैतान, शैतान उनके पीछे पड़ा हुआ है, शैतान उनके पीछे पड़ा हुआ है, वो हसद करते हैं तुमसे। हजरत याकूब खामोश रह गए, हजरत यूसुफ खामोश रह गए, अब आप किसी को नहीं बता रहे हैं मेरे हाल के घर के अंदर नॉर्मल जिंदगी। भाइयों के दिल के अंदर खटक रही है कि अब्बा इन लोगों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, क्या तभी अब्बा का भी इलाज करना, इनका भी इलाज। पैगंबर का इलाज उम्मती करे, बाप का इलाज बेटा करे। अब ये 10 भाई हमेशा खुस खुस बात करते हैं, रात में भी उठकर मीटिंग, दिन में भी उठकर मीटिंग। एक मरतबा याकूब ने पूछा कि बेटे रात को सोते नहीं, कुछ बात करते हैं आप लोग? हाँ अब्बा, जिक्र करते। हजरत याकूब कहने लगे मालूम है आपका जिक्र कितना मकबूल है, हमेशा रात दिन मीटिंग। आखिर एक भाई कहने लगा कि भाई इसका एक वाहिद इलाज है क्या? एक काम करो, यूसुफ को कत्ल कर, यूसुफ न रहे, हमारा मसला हल हो जाए। अब यूसुफ जाने की वजह से अब्बा हमसे मोहब्बत करेंगे, अब जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी। उक्तुलु यूसुफ, यूसुफ को कत्ल कर दो। उन 10 में से जो बड़ा भाई था वो कहने लगा कि भाई किसी को कत्ल न करो, ला तक्तुलु यूसुफ, यूसुफ को कत्ल न करो, बल्कि क्या करो, उसे कुएं में डाल दो, क्योंकि किसी को कत्ल करना जायज नहीं है, क्योंकि हर इंसान की जान अल्लाह की अमानत है। मेरी जान भी अल्लाह की अमानत, आपकी जान भी अल्लाह की अमानत। मैं आपकी जान नहीं ले सकता, आप मेरी जान नहीं ले सकते, क्योंकि हम एक दूसरे एक जान के मालिक नहीं है, सबका मालिक अल्लाह ताला है। इसलिए कत्ल किसी को करने की इजाजत नहीं है। हाँ, कोई आदमी किसी का कत्ल कर दिया तो क़िसास में उसे कत्ल कर दिया जाएगा, वरना किसी को मारने की इजाजत नहीं है, कत्ल करने की इजाजत नहीं है। यहाँ कोई रोकदार बैठा हुआ तो कान खोल के सुन ले, धमकियां देता मारो तो मारो, तो तेरे बाप का माल मान, किसी को मारने की इजाजत नहीं है, कोई किसी को नहीं मार सकता। समझ में आई बात? क्योंकि हर एक की जान किसकी अमानत? अल्लाह की अमानत है। एक हदीस में आता है कि शिर्क के बाद सबसे बड़ा अगर कोई गुनाह है तो वो कत्ल का गुनाह है, और अल्लाह ताला कातिल को कभी माफ नहीं करेगा। कभी का लफ्ज आया, कातिल को कभी माफ नहीं करेंगे। अब
पीटियां हो रही है, यूसुफ को क्या किया जाए, कत्ल करे या क्या? बड़ा भाई कहने लगा कि एक काम करो, कत्ल करने की जरूरत नहीं है हजरत यूसुफ को, एक काम करो कि किसी कुएं में जाकर डाल दो। कनान बोलकर एक गांव जहां हजरत याकूब थे, याकूब के गांव का नाम क्या? कनान। बोलने भी आ रही है, याद कर रखेंगे। कनान बैतुल मक़दिस के बिल्कुल करीब था। कनान गांव से 6 किलोमीटर के दूर पर एक पुराना कुआं था, पुरानी बूढ़ी, जिसमें पानी भी था, सांपा भी थे, बिच्छुआ भी थे। मीटिंग में फैसला तय हो गया कि काम करो, मारना नहीं इसे, काम कर डालेंगे, बोरी में डाल डालेंगे, बच्चा तो बच्चा, मरिया तो मरिया। अब लेकर कैसे जाएंगे, क्योंकि हजरत याकूब यूसुफ को अपनी निगाहों से दूर करते ही नहीं। पहले यूसुफ को बुलाए, बुला कर 10 भाइयों बोले कि हमें सभा को फिरने जा रही है, तुम्हें भी आते हैं क्या? 11-12 साल की उम्र थी ना, छोटे बच्चे थे, फिरना करता खुश हो जाते, हमें सभा फिरने जा रही है, तुम्हें आते हैं क्या? हाँ हाँ मैं भी आता हूँ, तुम्हारा अब्बा छोड़ते नहीं ना तुम ना? नहीं, मैं हमारा अब्बा से इजाजत ले लेता हूँ। अब हजरत यूसुफ जाकर कहने लगे कि अब्बा जान, हमारे भाई सब फिरने जा रहे हैं, मैं भी फिरना चाहता हूँ, नरता हूँ वनल, मैं भी फिरना चाहता हूँ, वहां जाकर खेलूं कूदूं। पैगंबर होता क्या बच्चा है नहीं? पैगंबर बोलते क्या बचपन से खामोश बैठने का नाम क्या? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में भी खेला करते थे, यहाँ तक के चलने की जब उम्र आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अपनी बहन के पीठ के पास आकर कतर डाले, बच्चा को कतर नहीं क्या करती नहीं, तब बच्चा को छुड़ गई, बड़े हुआ गई, बच्चे कतर रही है, बड़े कतर रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में हजरत शैमा के पीठ में कतर दिए, जब हुजूर बड़े हुए, नबूवत का ऐलान किए, हजरत शैमा और उनके गांव वाले कैद हो गए, हजरत शैमा कहने लगी, ओ मुझे क्या पकड़ते हो तुम, मैं तो तुम्हारे पैगंबर की बहन हूँ। सहाबा कहने लगे, मेरे पैगंबर की तू कैसे बहन? अरे जाओ जाकर कहो कि तुम्हारी बहन गिरफ्तार होकर आई है। हुजूर के पास सहाबी गए, जाकर अर्ज करने लगे, अरे अल्लाह कोई औरत है, कहती है कि वो तुम्हारी बहन है, हमने तुम्हारी बहन को सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। अच्छा मेरी बहन? हुजूर को याद आ गया, हो वो दाई हलीमा की बेटी जो मेरी रजाई बहन है, शायद वो गिरफ्तार होकर आई है, साथ से आई है। फौरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफीस उठे, जाकर देखते हैं क्या कि कुछ मिलती जुलती पुरानी याददाश्त की सूरत है। हुजूर ने फिर भी पूछा कि तुम्हारे पास कोई निशानी भी है कि शैमा की? तो हजरत शैमा ने कहा कि हाँ मोहम्मद, तुमको मालूम नहीं जब तुम छोटे थे तो मेरे पीठ में कतरे थे, देखो अभी भी दांत के निशान बाकी है। हुजूर ने फरमाया कि शैमा इस्लाम कबूल कर लो, ये दांतों के निशान तुमको जहन्नम से बचा देंगे। इस्लाम कबूल कर लो, ये दांतों के निशान तुमको जहन्नम से बचा देंगे। शैमा इस्लाम कबूल करती है। हुजूर भी पैगंबर थे लेकिन बचपन में छोटी मोटी शरारत तो मैं नहीं कहूंगा, बचपन आता था अपनी जगह पर। हजरत याकूब को यूसुफ अलैहिस्सलाम भी जाकर अर्ज करते हैं कि अब्बा हमारे भाई लोग फिरने जा रहे हैं, मैं भी फिरना चाहता हूँ। अब बच्चा जिद हद से ज्यादा करने लगा तो हजरत यूसुफ के अब्बा याकूब ने भाइयों को बुलाया, क्या तुम जाओगे? हाँ लेकर जाओगे, हाँ लेकिन तुम पर भरोसा नहीं है। खालू या बाना मा नकलाता मन्ना अला यूसुफ व इन्ना लहू लनासिहून। अब्बा क्या बात है कि यूसुफ के ऊपर आप हम पर भरोसा नहीं करते, हम भी तो उसके भाई उसकी हिफाजत करेंगे। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि बेटे तुम बड़े हो, मेरा ये बेटा छोटा है, तुम खेलने में रह जाओगे, कहीं मेरे बच्चे को आकर कोई भेड़िया खा लिया तो कोई नुकसान पहुंच गया तो तुम क्या कर सकते हो? जहां फिरने का तुम प्लान बना रहे ना, वो बड़े बड़े भेड़िए हैं। लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलातु तस्लीम भेड़िए से इन बड़े बेटों को मुराद लिया है। बाद मुफस्सिरी ने कहा जिनसे आवाज आई, भेड़िए तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते लेकिन तुम पर खतरा है कि तुम मेरे बेटे को तकलीफ दोगे। लेकिन दिल में एक था, जुबान में एक था, बेटों को सामने तो कुछ नहीं कहे। जब हजरत यूसुफ ज्यादा इसरार करने लगे तो हजरत याकूब अलैहिस्सलातु तस्लीम ने बेटों को बुलाकर नसीहत की कि अगर मेरे बेटे यूसुफ को कुछ हो गया तो मैं तुमको माफ नहीं करूंगा। वो धोखे में आकर हजरत याकूब यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम को लेकर फिरने लेकर गया। सबसे बड़ा जो भाई था यहूदा, वो जिम्मेदार और अमीर बना काफिले का। उससे छोटा जो भाई था उसने हजरत यूसुफ को हजरत याकूब के सामने उठा लिया, देखो अब्बा हम तो तुम्हारे बच्चे को चलने भी नहीं देते। समझ में बात, मक्कार जो होता ना बहुत खतरनाक होता, देखो अब हम तो तुम्हारे बेटे को चले भी नहीं थे। अच्छा बेटा ऐसे हिफाजत करना। अब हजरत यूसुफ को लेकर 10 भाई
घर से बाहर निकलते हैं, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम घर के दरवाजे तक आकर बेटे को जुदा करते हैं, वहां तक देखते रहे जहां तक बेटा दिखता रहा। उसके बाद बेटा जैसे ही चला गया तो उस वक्त हजरत याकूब घर के अंदर आकर अल्लाह से दुआ करते हैं कि मौला मेरे बेटे की हिफाजत करना। आवाज आती है कि तुम्हारा बेटे से ज्यादा मेरा वो पैगंबर है, तुम्हारे बेटे से ज्यादा वो मेरा पैगंबर। अब जैसे ही घर से दूर हुए तो जो हाथ में गोद में उठाया था वो बच्चे को पटक दिया, चल उधर, बड़ा अब्बा गला डला बना, तेरी वजह से तो अब्बा हमसे मोहब्बत भी नहीं करते। हजरत यूसुफ ने कहा कि अब्बा अगर आपसे मोहब्बत ना करे तो मेरा क्या कसूर, तेरी वजह से मोहब्बत नहीं कर रहे, न दूर है न मोहब्बत रहे न रहे बांस में बजे बांसुरी। चला कहां जा रहे हैं, फिरने फिरना गिरना नहीं है, चल दिया मालूम होगा कि हम तुझे कहां लेकर जा रहे हैं। हजरत यूसुफ बड़े भाई यहूदा की तरफ आए तो यहूदा भी यही कहने लगा कि नहीं चल कर, अब रास्ते में मार रहे हैं, बेटा परेशान है, यूसुफ अलैहिस्सलाम परेशान है, खामखा मेरे भाई मुझे क्यों मार रहे हैं। पर आखिर एक कुएं के पास आए, वो कुएं के बारे में आता है कि बैतुल मक़दिस का वो कुआं है जिसमें हजरत अंबिया वजू करते थे। उस कुएं के पास आए, आकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कपड़े निकाले। अरे मेरे कपड़े क्यों निकाल रहे, निकाल कपड़े निकाल, देखो पिलान कितना है। कपड़े निकालने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रस्सी में बांधा, बांधने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुएं में छोड़े, आधी रस्सी नहीं गई, एक भाई आकर बीच में से रस्सी को काट दिया। जैसे हजरत यूसुफ कुएं के ऊपर से नीचे गिरने लगे, आसमान में अल्लाह ताला ने जिब्रील से कहा कि जिब्रील जाओ मेरे यूसुफ को बचाओ, अगर वो पानी में गिर गया तो तुम्हारा नाम फरिश्तों से निकाल दूंगा, जाओ उतरो। दुनिया की तेजी, इंसानों की तेजी, रस्सी की तेजी से ज्यादा फरिश्तों को हमने बहुत तेज बनाया है, उतरो फौरन उतरो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सीधे उतरते हैं, यूसुफ के पानी में गिरने से पहले यूसुफ को पकड़कर पत्थर पे बिठा देते हैं। जिसे खुदा बचाना चाहता है दुनिया की कोई चीज सजा उसे मिटा नहीं सकती, जिसे खुदा मिटाना चाहता है दुनिया की कोई जात उसे बचा नहीं सकती। जाओ जिब्राइल जाओ बचाओ, जिब्राइल आए बिठा दिए। अब वो कौन सा कुआं था, पानी का कुआं था, सांप और बिच्छुओं का कुआं था। हदीस में आता है कि हजरत यूसुफ के कुएं में आने की वजह से वो पानी जो खारा था मीठा हो गया, सांप और बिच्छू अपने अपने बिलों में घुस गए। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नंगे बैठे हैं, बरहना बैठे हैं, कपड़े तो छिला लिए ना ये 11 भाई बैठे हैं। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल के पास वो लिबास देकर भेजा जिस लिबास से हजरत इब्राहिम नमरूद की आग में दाखिल हुए थे। नमरूद की आग में हजरत इब्राहिम जो कपड़ा पहनकर गए थे वो कपड़ा यानी पड़दादा का लिबास झुब्बा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हजरत जिब्राइल देकर भेजे। इसका मतलब ये कि यहां मेरे लिए एक मसला ये निकलता है कि बाप दादा के कपड़े पोतरे भी पहन सकते हैं। लेकिन कई साल पहले एक नौजवान मुझे फोन कराया था, हजरत हमारे बाबा के कपड़े में पहन सकते हो क्या, मेरे कपड़े हमारे अब्बा पहन सकते हैं क्या, पहन सकते उसमें क्या है, साइज बराबर रहा तो पहन सकते। समझ गए, अब पड़ बाबा का झुब्बा हजरत यूसुफ को पिलाया गया, हजरत यूसुफ पहनकर खामोश बैठ गए। काली अंधेरी रात थे, रिवायत में आता है कि 3 दिन वहां थे, एक रिवायत में आता है कि 7 दिन वहां थे। कुएं में क्या खाते थे, अल्लाह ताला खिलाता था, ये भाया फिर लगो चल जाना नहीं, गिरा में चले जाना नहीं। लेकिन देखने लगे, देखेंगे यूसुफ क्या करता, ऊपर आता कि नहीं अंदर डुबता, देखेंगे बोलो 3 दिन तक भांस क्यों लगा। 3 दिन में अभ्यास उठ कर ही लाखों गिराना तो गिरा दले, लेकिन अब्बा को जाकर क्या बोलना, अब्बा को क्या बोलना। एक भाई बोला एक काम करो, एक भेड़िए को पकड़ो, भेड़िए को पकड़ कर उसे काटो, काट कर उसका खून यूसुफ के झुब्बे में लगाओ, अब्बा को जाकर खून मिला हुआ झुब्बा दिखाओ और कहो कि अब्बा जान हमें खेल रहे थे, यूसुफ को भेड़िया खा लिया। झूठ भी तैयार हो गया, समझ लेंगे झूठ तैयार हो। अब 3 दिन के बाद एक काफिला वहां से गुजरता है, जैसे ही काफिला वहां से गुजरा पानी की प्यास लगी, तो पानी पीने के लिए जब वो काफिला एक बगीच की रस्सी डालता है पानी खींचता है, तो बगीच में पानी के बजाय खूबसूरत 12-13 साल का गुलाम लड़का आता है। पूरे काफिले वाले परेशान हो गए, बौड़ी से पानी आया तो देखे लेकिन इंसान कहां से, परेशान हो गए। तो अतराफ में बैठे थे ना भाया,
फौरन दौड़ कर आया, कहने लगे अरे तू यहां बैठा है, गिराई भी लूट। अब काफिले वालों के सामने पूछ रहे तू यहां बैठा है, और काफिले वालों से कहने लगे कि ऐ काफिले वालों दरअसल बात यह है कि हमारा ये गुलाम है, नौकर है, बार बार भाग जाता है, इसके लिए हम इसे ढूंढने में आते हैं, बूढ़ी के पास बैठा है, हम इसे बेचना चाहते हैं, क्या तुम में से कोई खरीदेगा। काफिले वालों में से एक का नाम मालिक था, वो कहने लगा ये तो इतना खूबसूरत है कि ये गुलाम तो हो नहीं सकता, मेरे हाल मिलिया सो माल लेना चाहिए। फौरन कहता इसकी कीमत क्या है, मैं खरीद लूंगा क्योंकि बड़ा खूबसूरत नौजवान नजर आ रहा है। तो फौरन कहते हैं एक काम करो, 8 दीनार दे दो इसे खरीद लो। भाया 8 दीनार में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम को भेज दिया। वह शरऊ भी समानी बख्सिन दराहिम मअदूदा, कुरान कहता है बड़ी गिरी हुई कीमत के बदले हजरत यूसुफ को भाइयों ने बेच दिया। अच्छा, बेचने के बाद जब वो काफिला चलने लगा तो एक भाई आकर कहने लगा इस गुलाम को हिफाजत से रखना, इसलिए कि बार बार भाग जाता है। ये भी बोले, वो जमाने में गुलामों को खरीदा जाता था, बेचा जाता था। आज कौन भी खरीदते क्या नहीं खरीदते, बेचते ही। अरे जरा जोर से बोलो, अरे क्या जी हमारा 900 बिका है ना भी, 50 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए। उस जमाने में मरद बने खरीदते थे, इस जमाने में इसे भाई को खरीदती खरीदते नहीं। क्या कीमत 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, डॉक्टर रहा तो ज्यादा, इंजीनियर रहा तो ज्यादा, समझे जैसा जैसा रहता होना वैसा, बिजनेस बन रहा और ज्यादा, खरीदते कि नहीं खरीदते। वहां उस जमाने में कोई खरीदने वाला था, इस जमाने में खरीदता है कौन, एक औरत खरीदती है, बिकते हैं इस जमाने में भी बहुत सारे नौजवान। और दूसरी बात, उस जमाने में ताजिर बेचते थे, इस जमाने में खुद माँ बाप अपनी औलाद को बेचते थे। बेचने के लिए बेच रहे हैं, कितने बुजुर्ग ऐसे हैं जो अपने बेटों की तिजारत करते हैं, महफिलों में बैठकर, मन्नी में बैठकर, निस्बत में बैठकर, खुद एक बेगैरत बाप पूछता है कि दे 1 लाख रुपए दे रही है, रिश्ता कबूल नहीं तो नहीं, खुद पूछते हैं। छुपी छुपाई बात नहीं है, हकीकी बात है ये कि खुद साफ तरीके से पूछते हैं 1 लाख रुपए देती, 1.5 लाख रुपए देती, 2 लाख रुपए देती। हजरत यूसुफ अली सलातो तस्लीम बिक गए, 8 दिरहम लेकर पूरे भाया बांट लिए, यूसुफ अली सलाम चले गए। अब इन्हें कौन मिला हुआ कपड़ा लेकर हजरत याकूब के पास गए, जाकर कहने लगे कि अब्बा जान हमें खेल रहे थे लेकिन एक भेड़िया आकर यूसुफ को खा लिया, अब्बा अगर यकीन नहीं आता तो ये देखो खमीस जिसमें यूसुफ का खून लगा हुआ है। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उठाकर खमीस देखे तो कहने लगे बड़ा होशियार भेड़िया दिखता है, कपड़ा फटा नहीं लेकिन यूसुफ को खा लिया। कपड़ा फाड़ को खून लगाना नहीं, दो आदमियां कांतिया का अटकते हैं, एक झूठा एक चोर, दो जने आज नहीं सभा जरूर अटकते। इसीलिए झूठ बोलने लगा, झूठ बोला तो याद रखना, चोर आज नहीं कपड़े अटकता, 40 दिन के बाद कभी अटक जाता। ये लगा फाड़ को कपड़ा खून लगाते थे तो कम से कम हजरत याकूब अलैहि सलाम मान लेते थे, लेकिन भाड़े नहीं कपड़ा इन्हें, बल्कि वैसे कपड़े पर वो खून लगा ले तो सीधा लाकर लटका दे, बताना अब्बा देखो ये खाली है ही। तो हजरत यूसुफ अलैहि सलातो तस्लीम के कपड़े को देखकर हजरत याकूब ने कहा कि कनान का भेड़िया तो बड़ा होशियार है कि अंदर का मगज खा लिया, बाहर का छिलका फटा तक नहीं है। फसबरुल जमील वल्लाहुल मुस्तआन वला मा तसिफून, हजरत याकूब कहते हैं तुम्हारी बात पर मुझे भरोसा नहीं है, इसलिए कि मैं देखा भी नहीं हूं, बस मैं सबर कर रहा हूं, अल्लाह ताला मेरी मदद करने वाले। एक रिवायत में आता है कि एक भेड़िए को वहां के बुलाए, हजरत याकूब बुलाकर पूछने लगे क्या तूने यूसुफ को खाया, भेड़िया कहने लगा कि भला याकूब मैं तुम्हारे बेटे को कैसे खा सकता हूँ, अल्लाह ताला ने जानवरों के लिए मिट्टी के लिए अंबिया के जिस्म को हराम करार दे दिया है। अरे याकूब जरा सोच कर देखो कि नूह के तूफान में नूह को डुबाया नहीं गया, नारे नमरूद में आग में हजरत याकूब नामे नारे नमरूद में इब्राहिम नहीं जलाए गए, और छुरी के नीचे तो इस्माइल नहीं कटे गए, तो मैं भला यूसुफ को कैसे खा सकता हूँ। ये खुला हुआ झूठ है, ये खुला हुआ झूठ है, इसलिए आप भरोसा न करें। लेकिन क्या करें हजरत याकूब, गैब का इल्म तो नहीं जानते थे ना, अल्लाह ताला ने गैब का इल्म अपने कब्जे कुदरत में रखा है, अंबिया को भी गैब का इल्म नहीं दिया है, इसलिए हजरत याकूब गैब का इल्म नहीं जानते थे, और बेटों के बात पर भरोसा कर लिया और कहने लगे कि फसबरुन जमील वल्लाहु मुस्तआन वला मा तसिफून, मैं सबर करूंगा, अल्लाह ताला जरूर मेरी मदद करेंगे। उस वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे की हिफाजत के लिए दुआ मांगते हैं और बेटे के याद में रोना 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 ऐसे ही रोना शुरू हो गया हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का। अब हजरत यूसुफ काफिले के साथ जा रहे हैं, जाते जाते एक जगह काफिले के रास्ते में हजरत यूसुफ को अपनी मां की खबर की जगह याद आई, काफिला रुका तो मां के खबर की जियारत करने लगे।
अचानक उन काफिले वालों में से एक आदमी ने फौरन देखा क्या कि यूसुफ अकेले खड़े हैं, काफिला आगे चला गया है। तो काफिले वाले ने फौरन थप्पड़ मारा और कहा कि तेरे भाई ने बिल्कुल सच कहा, तू भागने वाला भगोड़ा गुलाम है। एक थप्पड़ मारते हजरत यूसुफ कहते हैं, अल्लाह और ज्यादा सब्र नहीं होता, कब तक मैं इधर-उधर की ठोकर खाता रहूंगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे ही बद्दुआ करते हैं, एक अबर आकर उस काफिले पर मुसीबत नाजिल करता है, बारिश पड़ती है। बाज लोगों ने कहा कि पत्थर की बारिश पड़ती है। तो काफिले में एक बड़ा आदमी कहने लगा, हमारे काफिले में कोई बड़ी गलती कर दिया जिसकी वजह से अजाब आ रहा है। तो जो थप्पड़ मारा था ना, वो कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, इस बच्चे को मारा तो इसने बद्दुआ दिया, अजाब आया। फौरन वो आदमी हजरत यूसुफ से माफी चाहता है तो फौरन वो अजाब खत्म हो जाता है। अब कनान से लेकर ये बच्चे को लाया जा रहा है, सीधे मिस्र को आता है वो काफिला। और इस यूसुफ को जो खरीदा था ना, वो मिस्र वाला था, मिस्र को लेकर आया। बहुत खुश हो गया कि ऐसा गुलाम मेरे हाथ लगा है, ऐसा गुलाम मेरे हाथ लगा है कि इसकी कीमत से मैं बहुत ज्यादा नफा कमाऊंगा। सीधे लाया और अपने घर के अंदर रखा और कई साल तक पालने लगा। ये छोटा है और बड़ा हो गया, बालिग हो गया तो और इसकी कीमत लगेगी। अब तो 12-13 साल का है ना, 17-18 साल का अगर हो गया तो और ज्यादा कीमत लगेगी। छुप छुपा कर इस बच्चे को पालने लगा यूसुफ। जैसे जैसे बढ़ते गए, वैसा वैसा हुस्न होता गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम बाप से भी बिछड़े, माँ से भी बिछड़े, भाइयों से बिछड़े, पूरे शहर से बिछड़े। आखिर एक दिन ऐसा आया कि वो मालिक जो था, खरीदा हुआ आदमी जो था, वो पूरे बाजार में ऐसा ऐलान लगाया, आज मेरे पास एक ऐसा गुलाम है जिसकी कीमत पूरे मिस्र के पास, पूरे मिस्र में किसी के पास नहीं है। अच्छा वो गुलाम कौन है? फला दिन लाया जाएगा। ऐलान बड़ा जोर का हुआ, बहुत जोर का ऐलान हुआ। जैसे ही ऐलान बड़ा शानदार हुआ, पूरे लोग हजरत यूसुफ को खरीदने के लिए आ गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम सोचने लगे कि आखिर ये मुसीबतें मेरे ऊपर क्यों आ रही हैं? बाप से बिछड़ा मैं, भाइयों से बिछड़ा, शहर से बिछड़ा। तो अचानक उनके दिल के अंदर इल्हाम होता है कि यूसुफ तुम एक मर्तबा आईना देखकर कहने लगे कि यूसुफ तो बहुत खूबसूरत है। उस वक्त हमको गुस्सा आ गया, तू अपने खूबसूरती को देखा, बनाने वाले की तारीफ नहीं की, तो हमने तेरे हुस्न को बाजार का बनाकर रख दिया। अपने हुस्न को देखकर तो खुश हो रहा, देखो मैं कितना खूबसूरत हूं, ये अगर हमको पसंद नहीं आई उस वक्त तो हमारी तारीफ करना था। अगर तो हमारी तारीफ करता तो फिर हम तुझको यहां तक नहीं लाते, वहीं तुझे नबूवत देकर बहुत बड़ा अमीर और बहुत बड़ा पैगंबर बना देते। तू तो अपनी तारीफ किया, बनाने वाले की तारीफ नहीं किया। इस मुसीबत से बचने के लिए हुजूर ने अपनी उम्मत को भी दुआ सिखाई कि जब तुम आईने के सामने जाओ तो पहले अल्लाह की तारीफ करो। और जब आदमी आईना देखता है तो क्या करता है? अल्लाहुम्मा अंता हसनता खल्की फहसिन खुल्की, अल्लाह ये सूरत तो तू बनाया है, मेरी सीरत भी तू बना। जैसे ही आदमी आईना देख कर दुआ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसे नजरे बस से भी बचाते हैं और मुसीबत से भी बचाते हैं। समझ में आई बात? हमारी भी हालत वो आईने के सामने खड़ा को इधर फिरते ही उधर फिरते ही नहीं फिरते नहीं आईने के सामने बैठे, कभी इधर देखे, कभी उधर देखे, कभी हाँ देखे, कभी फिर। औरतों की आदत तो बहुत ज्यादा हो गई कि आईने के सामने खड़ी तो उन्हें नौशों को भी भूल जाती है, अम्मा को भी भूल जाती है, खाली चोटी करती है, चोटी डालती उन्हें एक घंटा। समझ में आई बात? डालती काटा निकालती, डालती काटा निकालती, आईने के सामने ज्यादा भी खड़ना नहीं है। अगर खड़ना है तो क्या करना? दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा अंता हसनता खल्की फहसिन खुलुकी, अल्लाह ये सूरत तो बड़ी खूबसूरत बनाया है, मेरी सूरत और मेरी सीरत में जमीन आसमान का फर्क है, मैं जितना खूबसूरत हूँ उतनी मेरी सीरत खूबसूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे है कि जिनकी सूरत तो बड़ी अच्छी है लेकिन सीरत बड़ी बुरी है, बहुत बुरी है उन लोगों की सीरत। इसीलिए आईने के सामने खड़कर भी दुआ करो कि ऐ अल्लाह मेरी सूरत तो खूबसूरत बनाया, मेरी सीरत भी खूबसूरत बना दे। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम की नीलामी होती है, बोली लगाई जाती है, जो भी आकर देखता बड़ी से बड़ी बोली लगाता, कोई हजार ऊंटों की बोली, कोई हजार घोड़ों की बोली, कोई हजार खेतों की बोली, सबकी बोली रजत हो रही है। अचानक एक औरत बुढ़िया को देखा गया कि उन्हें 10-15 गधे लेकर आ रही है। किसी ने पूछा, बुढ़िया कहाँ जा रही है? यूसुफ को करीब ले जा रही हूँ। अरे हजारों ऊंटों बेकार हो रहे हैं, तेरे साथ गधे क्या करेंगे? बुढ़िया कहने लगी, मुझे मालूम है कि मेरे गधों के बदले में यूसुफ नहीं आएगा, लेकिन यूसुफ के खरीदारों में मेरा नाम तो आ जाएगा। मेरे साथ गधों के बदले में यूसुफ तो नहीं आएगा, लेकिन यूसुफ के खरीदारों में
मेरा नाम तो आ जाएगा कि मैं भी बोली लगाई। अरे वैसा हसीन लड़का है, उसे कौन नहीं खरीदना चाहेगा। सब खरीद रहे, सबका बोल और सबकी जुबान रिजेक्ट हो रही है। आखिर उस मिसर का अजीज जो बहुत बड़ा एमएलए कहिए या वजीर कहिए, वो भी आकर देखता है कि आखिर देखेंगे ये नौजवान कौन है जिसकी बोली लगाई जा रही है। लेकिन मालिक रिजेक्ट करता जा रहा है। आकर देखता है तो देखता के देखता रह गया। हजरत यूसुफ की बोली वो लगाता है कि पूरे लोग जितनी बोली लगाए हैं सबकी मिलाकर मैं डबल दूंगा। तो उस वक्त का मालिक ने बादशाह के हाथ में यूसुफ को बेच देता है। अब यूसुफ को लेकर 17 साल की उम्र थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम को लेकर अपने महल गया और अपनी बीवी जुलेखा से कहा कि जुलेखा तेरे लिए एक गिफ्ट है। गिफ्ट क्या है? देख कितना खूबसूरत नौजवान तेरी खिदमत के लिए लाया हूँ, इसे हिफाजत करके रख और इसकी इज्जत भी कर। अकरीमी मसवा आया, इसकी इज्जत भी कर। ये आम गुलामों की तरह गुलाम नहीं है, इसके चेहरे से तो मुझे कुछ और ही नजर आ रहा है। ये सूरत के एतबार से भी खूबसूरत है, सीरत के एतबार से भी खूबसूरत है और इसका फ्यूचर बहुत अच्छा नजर आ रहा है। इसके शान में कभी गुस्ताखी नहीं करना। अकरीमी मसवा, इसके बारे में बड़ी इज्जत के साथ करना, इज्जत का सलूक करना। अब हजरत यूसुफ को लेकर जुलेखा पालने लगती है। शुरू शुरू में तो वो माँ बनकर पालने की कोशिश करती है, लेकिन हजरत यूसुफ का जैसे जैसे हुस्न बढ़ता गया, हजरत यूसुफ के हुस्न के बढ़ने की वजह से जुलेखा के इरादे बदल गए। अल्लाह ताला ने तो अनमोल हुस्न दिया था ना, अनमोल हुस्न दिया था ना, इरादे बदल गए। 7 साल तक हजरत यूसुफ अजीज मिस्र जुलेखा के पास रहे। अब जैसे जैसे रहते गए, मोहब्बत बढ़ती गई। हजरत यूसुफ को मोहब्बत का तो एहसास नहीं हुआ, लेकिन जुलेखा का मोहब्बत तो बहुत मजबूत हो गया। यूसुफ को नहीं मालूम कि कोई मुझे भी चाह रहा है, लेकिन जुलेखा तो दिल तोड़ कर चाह रही है। अब शौहर की तरफ से ख्याल उड़ गया, लाख उसके सामने मोहब्बत की बातें करती, लेकिन हजरत यूसुफ को समझ में नहीं आती बात। हजरत यूसुफ अच्छा अच्छा बोलकर उठ जाते, हमारे सका नहीं होती, उन्हें आई बोले तो हमें लव यू बोलते, उन्हें काली आई बोलती सर, वो कोसा आई बोली की, येर बोली की, टंग बोली की, उन्हें काली आई बोलती। हमें बचत का पूरा पूरा, हजरत यूसुफ वैसे नहीं थे, उन्हें क्या आता की बोलती थी जुलेखा। हजरत यूसुफ खामोश बैठकर उठ जाते, मासूम थे ना, अंबिया मासूम होते, उनसे कोई गुनाह नहीं होता। एक दिन रोती हुई बेटी बैठी थी, एक बुढ़िया पड़ोस की आई, पड़ोस की बुढ़िया आकर जुलेखा से पूछने लगी, क्या बात है, बहुत रो रही है। पड़ोस की बुढ़ी से जुलेखा कहने लगी कि मेरे महल में जो गुलाम है बड़ा हसीन है, बड़ा जमीन है, मेरा शौहर तो उसे बाहर निकलने नहीं देता, आज तक कोई देखा नहीं है, लेकिन मैं देखते देखते बर्दाश्त से बाहर हो गई हूँ। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मैं अपना मकसद पूरा करना चाहती हूँ, मेरे मकसद को पूरा नहीं करता। ये बुढ़िया जो थी ना पुरानी, क्या कहती है, फसादी रही होगी। वो कहने लगी, एक काम कर, किसी तरीके से तो एक ऐसा कमरा बना जिसके 7 दरवाजे हो, और 7 दरवाजों के अंदर के कमरे पर यूसुफ की और तेरी मिली हुई तस्वीर बना। अच्छा, उसके बाद यूसुफ को किसी बहाने उस कमरे के अंदर बुला, 7 दरवाजे भी बंद करती हुई जा, और उसके बाद अपना इरादा उसके सामने रख। 7 बंद कमरों में कोई मर्द आता है तो अपने आप से कंट्रोल खो जाता है। ये आइडिया पसंद आया हजरत यूसुफ के मुतालिक जुलेखा को। बुड्ढी ने जो कहा था, ऐसे एक शानदार कमरा बनाया, 7 दरवाजे लगाए और उसके अंदर यूसुफ की और अपनी मिली हुई कुछ ऐसी वैसी तस्वीरें भी बनाई। जुलेखा अपने देवर के एक बच्चे को पालती थी, वो बच्चा रोता था, इसलिए हमेशा उसे साथ भी रखी, उस बच्चे को बाजू भी सुलाया गहवारे पर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम को अंदर लेकर गई, एक एक दरवाजा हजरत यूसुफ पार करते थे तो दरवाजे को लाग डालती थी। जब 7 दरवाजे बंद हो गए, अंदर जाए जाकर देखते हैं, यूसुफ ने पूछा जुलेखा से कि बता बात क्या है, तो जुलेखा ने पूरा राज खोल कर रख दिया कि यूसुफ मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारा यह हुस्न मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, एक काम करो, वो काम कर दो जो काम एक मर्द और औरत करते हैं। यूसुफ ने कहा, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैं ऐसे काम कैसे कर सकता हूँ, 2 वजह से मैं कर नहीं सकता, एक तो यह है कि अल्लाह का डर है, दूसरा यह है कि तू किसी और की अमानत है। एक तो अल्लाह का डर है, दूसरी बात यह है कि तू किसी और की अमानत है, तेरी शादी अगर नहीं होती तो कुछ और बात थी,
लेकिन तू तो किसी और की मिल्कियत हो गई है कि तू किसी और की मिल्कियत हो गई तो दो हक में तोड़ नहीं सकता। जुलेखा कहने लगी, अरे डरने की क्या बात है, मेरे शौहर को जान से मार दूंगी, और तुम कहते हो कि तुम्हारा खुदा बड़ा गफूर रहीम है, गलती के बाद तौबा कर लेना। औरत बड़ी मक्कार होती है ना, जल्दी पिसलती नहीं, अगर पिसल गई तो फिर पूरा मोहल्ला तबाह हो जाता है। मेरी माँ, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, उन बिगड़ी हुई माओं को, उन बिगड़ी हुई बहनों को कह रहा हूँ, अल्लाह ताला आपके शर्म में और इजाफा अता फरमाए, आपके हया में और इजाफा अता फरमाए, और आपको ऐसे काबिल पैदा करे, आपको ऐसे काबिल बनाए कि आपके गोद से वक्त के उलमा और मुफ्तियां पैदा हो जाए। लेकिन औरत जाती तौर पर तो बड़ी मक्का था। यूसुफ कहने लगे कि नहीं हो सकता, नहीं तुझे करना ही पड़ेगा, मेरा मकसद तुझे पूरा ही करना पड़ेगा, नहीं यूसुफ मेरे शौहर को मैं मार दूंगी जान से, और तुम खुदा से माफी चाह लेना। हजरत यूसुफ ने उस वक्त वही जुमला कहा कि गलती के बाद तौबा करो तो माफ हो जाएगा, लेकिन तौबा की उम्मीद पर गलती करोगे तो तौबा भी नसीब नहीं होगी। एक है गलती हो गई, अल्लाह गलती होगी माफ कर ले कर देगा। अभी से इरादा हो रहा है कि हजरत रमजान के बाद ऊटी को जाना, पांडिचेरी को जाना, एक महीने से टीवी देखा नहीं, हजरत कितने नवे पिक्चर निकले ही मालूम नहीं, क्या है कि तुम लगा डरा 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 तो 15 किलो कम होगा हूँ, हजरत रमजान जान दो तुम देख ले तू, समझ में आई बात, रमजान जाने के बाद फिर गुना करे, कई गुना गुना करा, आइंदा तकरा तो ही ना हजरत तुम्हारी दुआ, समझ में आई बात, आइंदा तकरा तक ना हमें रहेंगे ना आप रहेंगे, क्या गारंटी है? तो गुना हो गया तो तौबा कर लो, लेकिन तौबा की उम्मीद पर गुना ना करो। अब हजरत यूसुफ पर जुलेखा की जबरदस्ती ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई, खींचमतानी का तक मसला आ गया। हजरत यूसुफ आखिर एक मर्द तो थे, नौजवान तो थे, कुरान कहता है वलकद हम्मद बिही व हम्म बिहा, इसका भी इरादा हो गया। हजरत यूसुफ के दिल में हल्का सा शैतान ने वसवसा भी डाल दिया, वलकद हम्मद बिही व हम्म बिहा, इसका तो मुकम्मल इरादा हो गया। कुरान ने औरत के इरादे को पहले जिक्र किया, मर्द के इरादे को बाद में जिक्र किया, इसलिए कि जुलेखा का इरादा पहले हुआ था, हजरत यूसुफ टेंशन में आ गए थे। जब हजरत यूसुफ का हाथ वक्ती तौर पर जुलेखा के करीब गया तो वो जो छोटा सा बच्चा सो रहा था वो पुकार कर कहता है, या यूसुफ अतज़नी, ऐ यूसुफ का तू ज़िना करेगा? इसीलिए हुजूर से किसी ने पूछा, क्या दुनिया के अंदर कोई बच्चा भी बात किया है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दुनिया के अंदर 3 बच्चे बात किए हैं, एक यूसुफ के कमरे का बच्चा, दूसरा जुरेज के जमाने का बच्चा, तीसरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो बचपन में मां के गोद में बात की है। बच्चे की तरफ से आवाज आई, या यूसुफ अतज़नी, एक रिवायत में आता है, और एक आवाज आई आसमान से, या यूसुफ लो वाबख्त अल-खतिया यमहुल्लाह इस्मक मिन दीवान अल-अंबिया, ऐ यूसुफ अगर ये काम में तुम मुब्तला हो जाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे नाम को अंबिया की तहरीर से निकाल देगा। और उस कमरे के अंदर एक बुत भी था पत्थर का, जिसकी जुलेखा पूजा करती थी, लेकिन उस पर एक कपड़ा डालकर थी जुलेखा, जुलेखा कपड़ा डाल डाल यूसुफ ने पूछा कि क्या है? ये मेरा खुदा है जिसकी मैं पूजा करती हूँ, कपड़ा क्यों डाला? उसके सामने ये काम करते हुए शर्म आती है, पत्थर तो है पूजा करने के लिए, लेकिन जुलेखा कहती है कि इसके सामने काम करते हुए शर्म आती है। तो हजरत यूसुफ ने कहा, अंत तस्तही मिन सनम व अना अस्तही मिन समद, तू पत्थर से शर्माती है, मैं अल्लाह से शर्माता हूँ, तेरा पत्थर पर्दा डालने से देखता नहीं है, मेरा खुदा तो वो है कि सातों आसमान और जमीन के बीच में भी देख लेता है, उससे कोई चीज छुपी नहीं, उससे कोई चीज छुपती है नहीं, छुपती है। इसीलिए हजरत इमाम गज़ाली गालिबन उनके जमाने में एक बादशाह आया, बच्चों का इम्तिहान लेने लगा और कहा कि देखेंगे हमारा बच्चा कहां तक कामयाब हुए हैं। हर एक बच्चे को एक एक मोज दिया और जाकर कहने लगा कि ऐसी जगह जाकर खाओ जहां कोई ना देखे। सब गया, एक जना बर्शीट ओढ़ लेकर खा लिया, एक जना काकी गया, एक जना काकी गया, सबको बुलाकर पूछे तू खाया हो? खा लिया। कहां खाया? बर्शीट के अंदर खाया, कौन भी नहीं देखे। तू खाया? दरवाजे के पीछे खाया, कौन भी नहीं देखे। तू कहां खाया? झाड़ के पीछे खाया, कौन भी नहीं देखे। हजरत इमाम गज़ाली से पूछे तू खाया? नहीं खाया। क्यों? जहां जाता हूं खुदा नजर आता है। कहाँ कहे वहाँ नहीं, बता के तू कहाँ नहीं। शायर कहता,
जलाल तू जमाल तू तू साहिब कमाल तू कहाँ कहे यहाँ नहीं बता के तू कहाँ नहीं यहाँ भी तू वहाँ भी तू इधर भी तू उधर भी तू कहाँ बोले अल्लाह या नहीं है बोलकर यहाँ भी अल्लाह वहाँ भी अल्लाह उधर भी अल्लाह इधर भी अल्लाह बंदे के बारे में कहता है कि मैं अलीम भी हूँ मैं खबीर भी हूँ मैं बसीर भी हूँ तेरा बाप से तो छुप सकता है लेकिन मेरे से तो छुप नहीं सकता उस्ताद से शागिर छुप सकता है शेख से मुरीद छुप सकता है पैगंबर से उम्मती छुप सकता है लेकिन अल्लाह से बंदा छुप नहीं सकता। इसलिए गुनाह करते वक्त हमारे शेख फरमाते हैं कि अल्लाह को याद कर लो हमेशा ये ज़हन में ख्याल पैदा करो कि मुझे अल्लाह देख रहा है। ये और बात है कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ कि नहीं देख रहा हूँ लेकिन अल्लाह तो मुझे देख रहा है। तो फौरन हजरत यूसुफ उस औरत से जुदा होकर भागना चाहते हैं तोबा तोबा ये काम नहीं करूंगा भाग कर जाते हैं तो हजरत यूसुफ का झुब्बा पकड़कर जुलेखा खींचती है तो पीछे से छुप्पा फट गया। दरवाजे के पास जाते हैं तो ऐसा इत्तेफाक के दरवाजे के बिल्कुल बाहर जुलेखा का शौहर खड़ा है। अंदर बीवी की मुसीबत बाहर दरवाजे के पास शौहर दरवाजा खुलता है तो देखता क्या कि एक कमरे में मेरी बीवी और मेरा गुलाम है। बीवी मक्कारी का दामन थामती है और फौरन कहती है कि सरकार ये मेरे साथ ज्यादती कर रहा है ये मेरे साथ ज्यादती कर रहा है और इसकी क्या सजा हो सकती है सरकार फौरन इसे सजा दीजिए। हजरत यूसुफ कहने लगे मैं कुछ नहीं किया हालात तुम्हारे सामने है भला तुम्हारा नमक खाने वाला तुम्हारी इज्जत और आबरू पे हाथ डालेगा ये नहीं हो सकता। अब ये फैसला किससे करें ये तो इज्जत की बात है ना इज्जत की बात है। अजीज मिस्र की बीवी ये गुलाम के साथ ऐसा घिनौना काम कर रही है इज्जत का सवाल था लेकिन अजीज मिस्र वजीर को भी कुछ ख्याल था कि फौरन इसका मसला हल करेंगे किसे पूछेंगे। वो कहने लगी बार बार हजरत यूसुफ पर इल्जाम डालने लगी हजरत यूसुफ अल्लाह के ऊपर छोड़ते हैं अल्लाह ताला ने यूसुफ के दिल में ख्याल डाला और फौरन हजरत यूसुफ ने कहा एक काम करो यहाँ सोने वाले बच्चे से बात कर लो कि कौन सच है कौन झूठा है। अजीज मिस्र ने कहा कि ये बच्चा तो बात करना नहीं जानता वो क्या हमारा फैसला करेगा अरे बात तो करके देखो बात तो करके देखो अल्लाह ने मुझे बचा लिया है तुम्हारी बीवी की ज्यादती है अल्लाह ने बचाया है ना तुम्हारी बीवी की ज्यादती थी। अब हजरत यूसुफ के कहने पर अजीज मिस्र ने बच्चे के सामने जाकर खड़ा तो बच्चा ये नहीं कहा कि जुलेखा गलत और यूसुफ सही है बच्चा कहने लगा कि अबे बेवकूफ वजीर क्या तेरे निगाहों के सामने इनकी दोनों की जिंदगियां नहीं है देख इन दोनों में से कौन सही और कौन झूठा है फैसला कर। कैसे फैसला करूं मैं ये फैसला कर कि दोनों में से किसकी खमीज सामने फटी है पीछे फटी है। यूसुफ की खमीज अगर सामने फटी है तो समझ जा कि यूसुफ गलती पर है अगर यूसुफ की खमीज पीछे फटी है तो समझ जा कि जुलेखा गलती पर है। वो कैसे इसलिए कि अगर सामने फटी है तो इसका मतलब यह है कि यूसुफ जबरदस्ती कर रहे थे हिटाने में यूसुफ के सामने की खमीज फट गई है पीछे से फटी है तो समझ जा कि वो भाग रहे थे यूसुफ पकड़कर जुलेखा पकड़कर खींच रही थी। जब देखा गया तो खमीज पीछे से फटी हुई थी फौरन अजीज मिस्र कहने लगा इन कई अजीम औरत की मक्कारी तो शैतान से भी ज्यादा औरत की मक्कारी शैतान से ज्यादा है। इस तहत अल्लामा मुफ्ती शकी साहब फरमाते हैं ऐसा कोई वक्त आ जाए कि मर्द को भागने का रास्ता ना हो तो ऐसे वक्त में वो अल्लाह को पुकारे सात दरवाजों के अंदर भी अल्लाह ताला बचाना चाहे तो ऐसे बचाएगा जैसे यूसुफ को अल्लाह ने बचाया। हम कहां बचने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों हम तो और फंसाने की कोशिश करते हैं बचने की कोशिश नहीं करते हम तो फंसाने की कोशिश करते हैं इसीलिए तो लानत बरस रही है हम पर। बचने वालों ने बचा भी हुजूर की उम्मत में भी ऐसे वाकयात पेश हुए लेकिन बचकर दिखाया। एक बहुत बड़े बुजुर्ग जिसका नाम सुलेमान दारगी था गालिबन इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इहया में लिखा हुआ है एक मर्तबा अपने दोस्त के साथ जंगल को गए दोस्त कहने लगा कि रोटी लेकर बाजार से आता हूँ तुम यहाँ बैठे रहो हजरत सुलेमान दारगी बैठे थे अचानक एक औरत आई आकर कहने लगी कि ओ अल्लाह के बंदे इस जंगल में तेरे और मेरे अलावा कोई नहीं है मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे जो तेरी भी जरूरत है। फौरन हजरत सुलेमान दारगी देखते हैं उस औरत को और रोना शुरू कर देते हैं इनके रोने को देखकर वो औरत भाग जाती है पागल है
मसला हल करने के बजाय मसले को बिगाड़ दिया। थोड़ी देर के बाद उनका दोस्त आया, देखता क्या है कि जो साथी सुलेमान दारनी रोते हुए बैठे, फौरन पूछने लगा कि हजरत क्या हुआ, आपको कोई तकलीफ पहुंची, कोई कारा, कोई काटा, क्या हुआ? तो हजरत सुलेमान दारनी कहने लगे कि अभी अभी एक औरत आकर मुझसे मकसद पूरा करने लगी, जो जिंदगी में कोई औरत मुझे नजर तक उठाकर नहीं देखी, आज वो औरत मेरे सामने आकर अपनी दावत देने लगी, मैं अपने गुनाह को याद करके रो रहा हूँ। फौरन हजरत सुलेमान दारनी का किस्सा सुनकर वो नौजवान रोने लगा। हजरत ने पूछा कि तू क्यों रो रहा है? कहने लगा, हजरत तुम्हें थे बच गए, मैं रहता तो मेरा हाल क्या होता, वो सोचकर मैं रो रहा हूँ। हमें रखते क्या रे दीवाना काम करा तो मुझे बुलाना नहीं तू, हमें रखते क्या बोलते क्या रे दीवाना काम करा तो मुझे बुलाना नहीं तू, बोलते थे हमें। उसी रात हजरत सुलेमान दारनी रात को सोते हैं तो ख्वाब में हजरत यूसुफ की जियारत हुई। हजरत यूसुफ ने हजरत सुलेमान दारनी को सलाम किया, हजरत सुलेमान दारनी ने जवाब दिया। हजरत सुलेमान दारनी ने पूछा, आप ही तो यूसुफ हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने जुलेखा से बचाया? तो हजरत सुलेमान दारनी को यूसुफ ने कहा, आप ही तो सुलेमान हैं जिसको अल्लाह ताला ने आपको भी बचाया। अरे सुलेमान, मेरे दिल में तो कम से कम थोड़ा बहुत ख्याल तो आया था, तुम तो इतने पाक हो कि तुमको ख्याल भी नहीं आया है। मुझे तो कुछ ख्याल आया लेकिन आपको तो उतना भी ख्याल नहीं आया। बचने की कोशिश करना चाहिए, मुब्तला होने की कोशिश नहीं करना चाहिए। शायद दारुल दोबन का वाकया है या दिल्ली का वाकया है कि एक नौजवान दिन में पढ़ता था, रात में कूली करता था। एक औरत आई कूली के लिए लेकर गई और कम घर के अंदर लेकर जाकर जबरदस्ती करने लगी, मेरे साथ मुब्तला होना, अगर नहीं होगा तो पूरे मोहल्ले में शेयर करूंगी कि तू जबरदस्ती मुझसे कर रहा है। अभी कहने लगा कि बाहर निकलूंगा तो इज्जत चले जाएगी, घर के अंदर रहेगा तो ईमान चले जाएगा। उससे कहने लगा, जरा पेशाब को जाकर आता हूँ। कहने लगी कि जाकर आ जाओ बाथरूम यहाँ है। वो पेशाब खाने में गया और बाथरूम में रहने वाले पाखाने को अपने हाथ से उठाकर अपने जिस्म में लगाने लगा और आकर कहने लगा, अब मिलना चाहती है, आ जा गले लग जा, बोसा देना चाहती है, ले इतना कीमती शाद लगा हुआ है, चाट ले। पागल कहीं का पाखाना, वो भी गैर का लगा के आया, थू गलीस कहीं का जा। अपने ईमान की हिफाजत करने के लिए इसने पाखाना लगाया तो अल्लाह ताला ने इसकी अदा इतनी पसंद किया, गमरे को जाकर जब वसूल करके बाहर निकलता है तो उसके जिस्म से बदबू नहीं अजीब सी खुशबू आ रही है। लोग पूछने लगे कि भाई अत्तर तूने कहां से लगाया है, भाई तूने अत्तर कहां से लगाया है? बचने की कोशिश करना चाहिए मेरे दोस्तों, वरना अल्लाह तबारक तआला तबाह करके रख देंगे, तबाह करके रख देंगे। अब हजरत यूसुफ बचकर निकल रहे हैं बाहर, फैसला हो गया कि औरत बड़ी मक्कार है औरत, फिर भी अजीज मिस्र की बीवी है, इज्जत बचाना है। कमरे के अंदर रख दिया गया, घर के अंदर रख दिया गया, दिल के अंदर खट रही है बात। आहिस्ता 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 वो बात बाहर फैल गई। बादशाह की बीवी ने, अजीज मिस्र की बीवी ने, वजीर की बीवी ने गुलाम के साथ अपना मकसद पूरा करना चाहा, सब औरत को थूकने लगे। जाकर इतना बाकीमती मालदार वजीर शौहर मिलकर तो एक गुलाम के पीछे पड़ी। पूरे मोहल्ले वाले के ताने सुनकर जुलेखा को बर्दाश्त नहीं हुआ। जुलेखा कहने लगी, अरे तुम, मैं तो क्या, तुम भी होते तो अपने आप को बर्दाश्त नहीं करते, तुम ये लम्हा बर्दाश्त नहीं करोगे? मैं तो 7 साल यूसुफ को देखकर बर्दाश्त कर रही हूँ, तुमने यूसुफ को देखा नहीं, अगर देखते तो मुझे गाली नहीं देते। एक काम करो कि कल शाम हमारे घर में तुम सबको दावत पे आ जाओ। अच्छा, क्या दावत है? यूसुफ को दिखाने की दावत है। सब यूसुफ को देखने के बहाने आ गए, बेहतरीन दस्तरखान जोड़ा गया। दो रिवायतें आते हैं, एक में सेब का नाम आता है, एक में नींबू का नाम आता है। अक्सर मुफस्सिरीन ने नींबू का नाम लिया है क्योंकि नींबू का रस अगर जख्म पर पड़ता है तो जलन बहुत ज्यादा होता है। तो नींबू एक एक हाथ में दे दी, एक साहब को दे दी और सबको बिठा दी। फलम्मा समियत मकरीन अरसलत इलैहिम, सबको बुलाई और बिठाई, बैठो अब यूसुफ आएंगे, जब आएंगे तो नींबू खा पी। वारसत इलैहिम वअअतदत लहुन मुत्तका, और उनके हाथों में एक चाकू भी दे दी और बिठा दी, उनके हाथों में एक चाकू भी दे दी। यूसुफ आएंगे तो काटो। अच्छा, अब जैसे ही हजरत यूसुफ को बुलाकर बिठाकर कुर्सी में से, हजरत यूसुफ की आदत क्या थी कि उनको खुद अपने हुस्न का पता चल गया था कि अल्लाह ने इतना हुस्न दिया था कि जो भी देखता इनके बारे में या तो बुरा इरादा करता नहीं तो इनको नुकसान पहुंचाने की फिक्र करता। पूरी जिंदगी अपने चेहरे पर पर्दा डालकर फिरा करते थे घर के अंदर। अब हजरत यूसुफ अपना पर्दा उठाते हैं, एक झलक देखती है पूरे मिस्र की औरतें। लींबू काटना जब शुरू करती है तो लींबू कटकर हाथ भी कट गया, जलन महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि यूसुफ के हुस्न का इतना मजा आ रहा है। क्योंकि अल्लाह ने आधा हुस्न दिया था ना सारी दुनिया का, कितना हुस्न दिया था? आधा हुस्न दिया था हजरत यूसुफ को सारी दुनिया का। आज भी जरा लींबू भी सेब नहीं काटते, केक काटते। आजकल नया रस्म शुरू हुआ है, क्या करते, जुल्मे में केक काटने की।
کتنے چرس میں وہ اتنے وقت میں کر لیتے ہیں کہ معلوم نہیں ہوا, اللہ کا فضل میرا تو نہیں ہوا. وہ اتنے وقت میں دودھ بھی بیچتے ہیں, عینک بھی دیکھتے ہیں, مصری بھی کھاتے ہیں, کھاتے نہیں کتنے رس میں ہوتے ہیں دودھ بیچنے کو جاتے ہیں. دودھ والی ان کو بلاتا صحیح نا, انہیں آ کر دودھ بیچے آدھا لیٹر ہونا کہ پونا لیٹر ہونا, بے حیا کہتی کی دودھ بیچنے والی تو کہیں شادی محل کو آئی. اور ایک رسم کیا ہوتا ہے, مصری آرس کے منڈے میں مصری رکھ ڈال کو 900 خانہ سمجھ آدمی کے سامنے, وہاں کون تھی ایک رتی چنچل, انہیں پوچھتی بول رہے آرس مٹھی کی مصری مٹھی, وہاں کون سا آدمی بول رہا دودھ مٹھی کے بول کو, پھر کامی نہیں جاتی انہیں, بول رہے آرس مٹھی کی مصری مٹھی, انہیں کیا بولیں گا, مصری کا تو جہیز کو ملتا نہیں, آرس کا تو مصری ملتی نہیں, مصری بھی کھا لیتا ہنسنے کو خاموش ہو جاتا. وہ رسم میں سے ایک رسم کا کہتا کیک کاٹنے سے کہتے آرس نو سو ایک دوسرے کی صورت دیکھتے کیک کاٹنا سکتی تو اتنا خوبصورت ہی کہتا نہیں لگا کئی کو میں کاٹتی ہوں تو یوسف علیہ السلام کو دیکھو مصر کی عورت ہے سیب کاٹے نہیں ویسا ہی نے اسے دیکھو کیک کاٹ رہے سکتے اتنا خوبصورت ہے کہ داڑھی منانے والا اتنا خوبصورت ہے. میرے حال حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر عورتیں کہنے لگی ما ھذا الا بشر, یہ تو انسان نہیں یہ تو ملک ہے فرشتہ ہے, اتنا خوبصورت احساس وشواس نوجوان ہم نے اپنی زندگی میں کبھی کہیں نہیں دیکھا. اچھا اب حضرت یوسف کے دور میں زلیخا نے کہا کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ میں 7 سال سے کیسے برداشت کی, اچھا ایسا. اس کے بعد حضرت یوسف کو پھر دعوت دی گئی تو حضرت یوسف کو آپشن رکھا گیا کہ کیا کرو گے کہاں رہو گے, حضرت یوسف نے کہا کہ میں اس گھر میں رہنا نہیں چاہتا میں تو جیل خانہ چلا جاتا. حضرت یوسف علیہ السلام تو تسلیم کو جیل خانہ بھیج دیا گیا, یوسف علیہ السلام جیل خانے میں 7 سال تک رہے. اب تک حسن کی وجہ سے اتنا بڑا حال ہوا, اب جیل میں جانے کے بعد اطمینان کی سانس لی, اطمینان کے ساتھ زندگی کرنے لگے, کھانا آتا کھاتے تھے. اچانک اس جیل میں یہ تو مصر کے عزیز زلیخا کے شوہر تو مصر کے وزیر تھے نا, بادشاہ کی طرف سے 2 مجرم آئے تھے, ایک بادشاہ کو شراب پلانے والا, ایک بادشاہ کے دربار کا پکاتی. 2 مجرم آ گئے, وہ 2 مجرم یہ خواب دیکھتے ہیں, کیا خواب دیکھتے ہیں, ایک نے دیکھا کہ انہیں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے اور ایک نے دیکھا کہ وہ بادشاہ کو کیا کر رہا ہے, اس کے سر پر روٹیاں ہی اور پرندے کھا رہے ہیں. تو وہ دونوں آ کر حضرت یوسف سے پوچھتے ہیں کہ یوسف ہم نے ایسا خواب دیکھا کہ ان میں سے ایک شراب پلا رہا ہے, ایک کے سر کے تختے میں سے روٹیاں پرندے کھا رہے ہیں. حضرت یوسف نے کہا تمہارے خواب کی تعبیر رات کا کھانا آنے سے پہلے میں بتاؤں گا. اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم دعوت و تبلیغ کی بات کرتے ہیں, دیکھو اللہ تعالیٰ ایک ہے, 4 کی عبادت کرنا اچھا نہیں ہے, ایک کی عبادت کرو, ایک کی عبادت کرو گے تو جنت ملے گی. لمبی چوڑی دعوت و تبلیغ کی بات پیش کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں, کیا حیثیت سے, اس حیثیت سے کہ تو جمعے سے شراب پلانے والا ہے وہ بچ جائے گا, جس کے تختے سے ٹکے سے روٹیاں کھانے والے تھے اسے پھانسی دی جائے گی, ویسے ہی ہوا. اس کے بعد جو آزاد ہو کر رہا ہو کر جا رہا تھا اسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تم آزاد ہو کر جاؤ تو بادشاہ کے سامنے میری بات بھی کہنا کہ وقت کے وزیر نے ظلمن مجھے جیل میں ڈال دیا ہے, میرا کوئی قصور نہیں ہے. وہ آزاد ہو کر تو چلا گیا, جانے کے بعد وہ حضرت یوسف کی بات کو بھول گیا. اسی دور میں اس وقت کا بادشاہ جو تھا وہ ایک خواب دیکھتا ہے, 7 موٹی موٹی گائے تھی, دبلی دبلی گائے کو کھا رہی ہے. بادشاہ نے اپنے وزیروں سے پوچھا کہ بھائی میں نے خواب ایسے دیکھا, 7 موٹی موٹی گائے ہیں اور پتلی پتلی گائے کو کھا رہی ہے, تم میں سے اگر کوئی خواب کی تعبیر بیان کر سکتا ہے تو وہ بیان کرے. تو پورے لوگ خاموش تھے, یہ رہا ہو کر جو گیا تھا نا انہیں فوراً کہتا ہے کہ بادشاہ تمہارے خواب کی تعبیر تو جیل میں رہنے والا ایک اللہ کا بندہ دے سکتا ہے. فوراً اسے بلا کر پوچھتے ہیں, حضرت یوسف کو پوچھا جاتا ہے تو حضرت یوسف کہتے ہیں کہ بادشاہ تمہارے دور میں 7 سال اچھے آئیں گے, 7 سال برے آئیں گے, برے سال پر تم 7 سال کا اناج جمع کر رکھو تمہاری بادشاہت بچ جائے گی. پھر حضرت یوسف کو پوچھنے لگا بادشاہ تم تو اتنے اچھے نوجوان ہو لیکن تم کو جیل میں کیوں ڈال دیا گیا؟ حضرت یوسف نے اظہار حق کرتے ہوئے کہا کہ وقت کا تمہارا وزیر اس کی بیوی دونوں مل کر مجھے جیل میں ڈال دیے. حضرت یوسف کو بادشاہ نے کہا میں تم کو آزاد کرتا ہوں. حضرت یوسف نے کہا بغیر تحقیق کے آزاد نہ کرو ورنہ تم ظالم بادشاہ ہو جاؤ گے. ایک کام کرو عزیز مصر کو بلا کر پوچھو اور زلیخا کو بلا کر پوچھو غلطی کس کی تھی, اگر غلطی میری ہے تو مجھے جیل سے رہا نہ کرنا, اگر غلطی زلیخا کی ہے تو اسے سزا دینا اور مجھے رہا کر دینا. جب بلا کر پوچھا گیا تو حضرت یوسف کے بارے میں خود زلیخا کہتی ہے کہ میری غلطی تھی, یوسف کی کوئی غلطی نہیں تھی. حضرت یوسف کو رہا کر دیا گیا. یوسف جائے تو کہاں جائے, اتنی اچھی خواب کی تعبیر بیان کرنے کے صدقے میں وقت کے بادشاہ میں حضرت یوسف علیہ
علیہ السلام کو اپنے ملک کا وزیر خزانہ بنا دیا. حضرت یوسف علیہ السلام آنے والے مصیبت کے سالوں میں اناج کو جمع کرتے رہے. ایک وقت ایسا آ گیا کہ مصیبت شروع ہو گئی. کنعان میں حضرت یعقوب رہ رہے ہیں, مصر میں حضرت یوسف رہ رہے ہیں, حضرت یوسف کے زمانے میں بھی اور ان کے گاؤں میں بھی قحط پڑ گیا. حضرت یعقوب کو معلوم ہوا کہ عزیز مصر کا وزیر سب کو خیرات دے رہا ہے. اپنے 10 بیٹوں کو بھیجا یعقوب علیہ السلام اور کہا کہ جاؤ وزیر مصر کے وزیر سے جا کر اناج لے کر آؤ. یہ 10 بھائی جو کنویں میں ڈالے تھے نا, 40 سال کے بعد اب مصر کو آتے ہیں. یوسف کو وہ نہیں پہچانتے لیکن یوسف علیہ السلام ان کو پہچانتے ہیں. آ کر حضرت یوسف سے ملتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو شکلوں سے پہچان لیا اور کچھ بھی راز کو فاش نہیں کیا اور کچھ بھی بدلہ نہیں لیا. اب تحقیق کرنے لگے کہ تم کہاں سے آئے. وہ کہنے لگے ہم کنعان سے آئے. تمہارے ابا کیا کرتے. وہ کہنے لگے کہ ہمارا ابا پیغمبر ہے. تمہارے ابا کو کتنے بیٹے. وہ کہنے لگے کہ ہمارے ابا کو 12 بیٹے ہیں. اب تم تو 10 ہو نا. تو ان میں سے بھائی کہنے لگا ایک بیٹا ابا کے پاس ہے, ایک بیٹا کو بھیڑا کھا لیا. سامنے بھی جھوٹ بول رہے ہیں. حضرت یوسف جھوٹ کو سنا خاموش رہا اور پورا اناج اور پیسے دے کر بھیجے اور کہنے لگے نیکسٹ مرتبہ آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے کر آنا. اب حضرت یعقوب کے 10 بیٹے گئے, اناج لے کر گئے, حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا. کہنے لگے کہ ابا مصر کا وزیر تو بڑا نیک آدمی ہے, اناج بھی دیا پیسے بھی دیا اور کہا کہ اب کی مرتبہ اگر میں ہم چھوٹے بھائی کو لے کر گئے تو اور بھی زیادہ مال دیا جائے گا. حضرت یعقوب کہنے لگے اب میں چھوٹے بیٹے کو نہیں بھیجوں گا, بڑے بیٹے کو لے جا کر تم نے تباہ کر دیا. اب چھوٹے بیٹے کو بھی لے کر جاتے ہو جو میرے آنکھوں کا تارا ہے. 10 بھائیوں نے کہا کہ ابا پورے شہر کے لوگوں کے بھوک کا مسئلہ ہے, بنیامین کو بھیجو گے تو عزیز مصر کا وزیر بہت زیادہ ہم کو اناج دے گا. حضرت یعقوب پورے گاؤں کا خیال کرتے ہوئے بنیامین کو بھیجتے ہیں. یہ 10 بھائی چھوٹے بھائی کو لے کر مصر میں داخل ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, آہستہ بوسہ لیا اور اس کے بعد ان کے رہنے کا انتظام کیا اور یہ کہا کہ ایک کمرے میں 2 آدمی رہیں گے اور ایسے رہیں گے جو دونوں آدمی بھی آپس میں بھائی رہو گے اور ایک ماہ سے پیدا ہوئے بیٹے رہیں گے. اب ایسا فیصلہ کرنے کی وجہ سے 5 کمروں میں 10 بھائی داخل ہو گئے لیکن اکیلے کمرے میں بنیامین رہ گیا اور بنیامین کے ساتھ حضرت یوسف رہ گئے. حضرت یوسف بنیامین کے سامنے گئے اور اپنا پردہ نکالا. حضرت بنیامین نے یوسف کو دیکھ کر پہچان لیا اور یوسف نے حضرت بنیامین کو دیکھ کر پہچان لیا. حضرت یوسف نے کہا کہ بھائی اس راز کو تم بھائیوں کے سامنے پیش نہ کرنا, تم اور میں ایک ماں کے بیٹے ہو. میں نے بہانہ کر کر تم کو بلایا ہے, میں کسی طریقے سے تم کو یہاں رکا لوں گا کیونکہ ہمارے ایک ماں کے دودھ کی محبت ہے. ان 10 بھائیوں کو بھیجوں گا. حضرت یوسف کو بنیامین کہتے ہیں بھائی جان میں جانا ہی پڑے گا, اگر میں نہیں جاؤں گا تو ہمارے ابا کو تکلیف ہوگی. حضرت یعقوب یوسف نے کہا کہ بیٹے فکر نہ بھائی, فکر نہ کر, تمہارے ابا کو بلانے کا انتظام کروں گا. تم بھائی کے ساتھ جاؤ گے لیکن تم کو رکا لیا جائے گا. وہ کیسے؟ اس طریقے سے جب اناج دے کر بھیجنے لگے حضرت یوسف بنیامین کی دھیلی مر اپنا ایک سونے کا لوٹا ڈال دیے. جب پورا 10 بھائیوں 11 بھائیوں کا قافلہ نکلا, حضرت یوسف نے اعلان کیا شاہی محل کا ایک سونے کا لوٹا گم ہو گیا ہے, تلاش کرو ان 11 بھائیوں کو. تلاش کرتے ہیں تو بنیامین کے تھیلے سے وہ سونے کا لوٹا نکلا. وہی شریعت سامنے آ گئی, جو چور اٹکتا ہے وہ مالک کے پاس اٹک جائے گا. حضرت یوسف نے بنیامین کو پکڑ لیا. 10 بھائی کہنے لگے ہمارا بھائی چرایا ہے. ہاں چرایا ہے, اگر یہ چرایا ہے تو اس کا بڑا بھائی بھی ایک مرتبہ خالہ کا لوٹا چرایا تھا. حضرت یوسف سن کر برداشت کر رہے تھے, وقت آنے پر سب بتایا جائے گا. اب 10 بھائیوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ تمہارے ابا کو لے کر آؤ. تفصیلی واقعہ میرے دوستو پھر کبھی جمعے کے موقع پر کروں گا. 10 بھائی جاتے ہیں, حضرت یعقوب کو لے کر آتے ہیں. حضرت یعقوب اور 10 بھائی بنیامین مل کر حضرت یوسف کے دربار میں جاتے ہیں. اس زمانے کا قانون کیا تھا, بادشاہوں کے دربار میں سر جھکا کر جانا پڑتا تھا. جب باپ اور 11 بیٹے سر جھکا کر جا رہے تھے تو اس وقت حضرت یوسف نے کہا کہ ابا میرے بچپن کے خواب کی یہ تعبیر ہے. میں نے خواب میں کیا دیکھا تھا کہ 11 تارے, ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہا ہے. یہاں 11 بھائی ہیں اور آپ میری اما کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آسمان سے میرا سجدہ کر رہی ہے. یہ تھی میرے دوست حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم کی مختصر سیرت. ویسے تو قرآن کے اندر تقریباً آدھے سے زیادہ پونے پارے کے قریب حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم کا مکمل ایک سورے میں ان کی تعریف آئی ہے. بہت سارے نصیحتیں بھی آئی ہیں, تفصیل کے ساتھ کبھی عرض کیا جائے گا. وعدے کے موافق دوسری تاخرات حضرت یوسف کی تعریف ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یاد رکھیں گے. اور حضرت یوسف کی تعریف میں سب سے زیادہ زنا سے بچنے کا جو مسئلہ آیا ہے, ہم اللہ تعالیٰ سے حضرت یوسف کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو یوسف کی طاقت و ہمت عطا فرما. اب ایک بات باقی رہ گئی, عرض کر دو حضرت یوسف کو سب تو مل گئے لیکن زلیخا چھٹ گئی,
حضرت یوسف معلوم کرتے ہیں تو کیا کہ مصر کا وزیر مر گیا ہے. زلیخا کو دیکھنے کی خواہش جب حضرت یوسف کو ہوئی, دیکھا گیا تو کیا زلیخا بوڑھی ہو چکی ہے, لاغر و کمزور ہو گئی ہے, لیکن ابھی بھی حضرت یوسف کی محبت میں مر رہی ہے. حضرت یوسف نے زلیخا سے پوچھا, سب میری حکومت سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں, تو بھی تو کچھ فائدہ حاصل کر لے. زلیخا کہنے لگی, مجھے اناج کی ضرورت نہیں ہے. یوسف تم تو خدا کے پیغمبر ہو, ایک کام کرو, اللہ سے دعا کرو کہ میری جوانی کو واپس کر دے. حضرت یوسف نے کہا کہ میں دعا تو ضرور کروں گا ایک شرط پر, وہ یہ کہ تو ایمان لے کر آئے گی. زلیخا کہتی ہے کہ میں ایمان لے کر آؤں گی. حضرت یوسف دعا کرتے ہیں, زلیخا کی جوانی واپس آتی ہے, اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم سے نکاح کے بارے میں اختلاف ہوتا ہے. ایک روایت میں نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم زلیخا کو چھونا چاہتے ہیں تو حضرت ایمان کی وجہ سے حضرت زلیخا کہتی ہے, یوسف ایمان نہیں تھا تو تمہاری محبت تھی, ایمان مل گیا تو خدا کی محبت آ گئی ہے. وتلك الايام نداولها بين الناس, ایمان نہیں تھا, انسان پر مر مٹتی تھی. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں, آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ میں نے گزشتہ اوقات عرض کیا تھا کہ مسجد کا کام باقی ہے. بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے, ہمیں جانا کہتے ہیں کہ باہر بارش جانے دیتی نہیں. سمجھ میں آئی بات, یاد بچ جائیں گے بولے. تو میرے دوستوں, گزشتہ جمعہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہمارے طرف سے ہمارے سے پہلے انبیاء کو کچھ تحفہ دینا چاہیے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تحفے کا جب مسئلہ آیا, بارش کی وجہ سے چادر میں بہت سارا چندے کا مسئلہ پڑ گیا. اب تو سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, مسجد کے سامنے کی تعمیری کام کا مسئلہ ہے. آپ حضرات تو الحمدللہ تاخراتوں میں دینے ہی کے لیے آتے ہیں. گزشتہ تاخرات تو صرف 20,000 روپے کا چندہ ہوا, گئے تاخرات کے پیسے بھی باقی رہ گئے ہیں, ہے کہ نہیں ہے. اس تاخرات دونوں ملا کر ڈالنا ہے. بتائیے کہ ایک اسکوائر فٹ کی قیمت 2,500 روپے ہے, آدھے اسکوائر فٹ کی قیمت 1,250 روپے ہے. اس کے علاوہ جتنا آپ دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں. 2,800 اسکوائر فٹ کی جگہ ہے. اگر اللہ کرے کہ اس کی خریدی کا پورا مسئلہ حل ہو گیا, اتنی بڑی مسجد ہو جائے گی کہ اور باہر سے آنے والوں کو بارش میں بھیگنے کی ضرورت نہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ اسی مسجد میں بیٹھ کر عبادت آرام سے کر سکتے ہیں. بولیے, اگر یہاں خریدنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی خرید سکتے ہیں, یا دعا کے بعد اگر چندے میں جھولی میں ڈالنا چاہتے ہیں تو ضرور جھولی میں بھی ڈال سکتے ہیں. کیسے کریں گے امجد بھائی, فیروز بھی اگر ہے تو یہاں پر فوراً مشورہ دے. اگر اسکوائر فٹ یہی لکھانا چاہتے ہیں تو فوراً لکھا سکتے ہیں. نیت کیا کریں گے کہ اے اللہ اس پیسے کو تو قبول فرما.